ओके, तो अभी हम लोग का डे वन क्लास 11 फिजिक्स प्रॉपर तरीके से लेंगे, ठीक है? हम लोग समझते हैं कि हम लोग ग्रो कैसे करेंगे, और तुम लोगों का जब एग्ज़ाम होगा उसके बहुत पहले हम लोग सिलेबस कवर कर लेंगे, और तुम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस के लिए। तो उसके लिए तुम लोगों को जो टेस्ट के लिए क्वेश्चन पेपर होता है वो तुम लोग घर जाके मतलब सॉल्व कर सकते हो, या फिर यहाँ बैठ के भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? और क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। तो फिजिक्स और मैथ हम ले लेंगे, और केमिस्ट्री विशाल सर लेंगे। तुम लोगों को करना सिर्फ इतना है कि यहाँ पर जो भी कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा वो समझ लो। अगर इतना समझ में आ गया तो बस आईआईटी भी निकलेगा, और नीट दोगे तो नीट आई से निकल जाएगा, ठीक है? इलेवेंथ एकदम बता रहे हैं ईजी हो जाएगा, बेसिक एकदम बेसिक हो जाएगा। फिजिक्स और मैथ में, मैथ तो फिर भी प्रैक्टिस की चीज़ है, लेकिन फिजिक्स में तुम एक चीज़ से बच सकते हो प्रैक्टिस करने से। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, जैसे मान लो एक तरीका बताते हैं, तुमको यहाँ से रूम जाना है जहाँ से हम आ रहे हैं, ठीक है? यहाँ से वहाँ तक जाना है, तो अगर हम तुमको रास्ता बता दें कि ऐसे जाना ऐसे जाना, यहाँ एक दुकान आएगा, यहाँ से ऐसे चले जाना, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। इसको एक बार जाके चेक कर लो, हो जाएगा काम। तुमको बार बार जाके चेक करने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल ऐसा ही होता है। कुछ बच्चों को क्या होता है ना कि वो एक ही बार में न्यूमेरिकल नहीं समझ पाते, तो एक और न्यूमेरिकल, फिर एक और न्यूमेरिकल, मतलब ये कि वो यहाँ तक जाएंगे फिर भूल जाएंगे अरे कहाँ जाना था। तो इसीलिए मेन फोकस हमारा मैप समझने पे होना चाहिए। देखो पूरे फिजिक्स को हम ऐसे, पूरा फिजिक्स जो अभी तुम 11th में पढ़ोगे फिर आगे जाके 12th में पढ़ोगे, उसको समझो। हमारा जो पूरा फिजिक्स है वो सिर्फ तीन हिस्सों में बटा होता है, पूरा फिजिक्स, चाहे वो 11th का हो चाहे वो 12th का हो। सबसे पहले फिजिक्स में आता है उसका कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि हम लोग जिस चीज़ को पढ़ने वाले हैं उसका बैकग्राउंड समझेंगे कि अच्छा ये चीज़ कैसे काम करती है, अच्छा इसमें फोर्स है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है? उसके बाद कुछ लॉजिकल चीज़ें इधर से उधर से, ये हो जाएगा कॉन्सेप्ट। उसके बाद जब कॉन्सेप्ट रेडी हो जाता है तो वो कहानी की तरह होता है, कच्चा कच्चा सा होता है कि हाँ चलो ठीक है बात तो समझ में आ गई। उसके बाद उसको जो स्ट्रांग करता है वो होता है उसका फॉर्मूला, या कभी कभी ग्राफ, या कभी कभी दोनों। तो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं कि फिर इसका कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको उसका फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और उसके बाद मे बी ग्राफ हो सकता है या ग्राफ नहीं हो सकता है, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट और ये फॉर्मूला, ये आपको अपने हिसाब से लाइट या हार्ड लग सकता है कि मतलब चलो यार इजी पढ़ रहा है या टफ पढ़ रहा है। अब इसको इजी करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप प्रैक्टिस कीजिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस। वो मेरा काम है, वो हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस कराएंगे। कॉन्सेप्ट तो यूँ समझ में आ जाएगा, टफ नहीं लगेगा कॉन्सेप्ट। चलो अब हम लोग की बारी आती है कि हम लोग प्रैक्टिस में क्या करने वाले हैं। तो प्रैक्टिस में जो क्लास में न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे वो एकदम स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स होंगे, मतलब वो बहुत अच्छे जो ऑलरेडी बुक्स लिखी जा चुकी हैं उनसे लिए गए न्यूमेरिकल्स होंगे, वही हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आपको एक शीट दी जाएगी, शीट में जैसे आज जो पढ़ाया गया उस टॉपिक पर कुछ तो यहाँ सवाल लगा लिए, कुछ सवाल आपको घर पे लगाने होंगे, और वो जो शीट होगी उसका सॉल्यूशन भी दिया जाएगा कि ये रहे, ये क्वेश्चन है आपका और ये इसका सॉल्यूशन है। आपको वो शीट अपने सॉल्व करनी होगी, उसका सॉल्यूशन देखना होगा, नहीं समझ में आएगा आप हमसे मिलेंगे, ठीक है? और अगर मान लो कि किसी दिन तुम लोग मिस करते हो क्लास, तो उस दिन क्लास तो हम लेंगे। अगर मान लो जैसे कभी कभी बरसात का मौसम है, बहुत हैवी रेन है, आप लोग नहीं आ पा रहे, मान लो हम नहीं आ पा रहे, उस दिन भी क्लास होगी, हम ऑनलाइन क्लास लेंगे। अगर आप अटेंड कर पा रहे हैं ऑनलाइन तो आप लाइव अटेंड कर लीजिए, अगर अटेंड नहीं कर पा रहे तो वीडियो बन जाएगी, वीडियो को आप यूट्यूब से देख लीजिए, और प्रोसेस सेम रहेगा। वहाँ पे जो सवाल लगाए जाएंगे आप उसको लगाइए, और उसके बाद आपको शीट, अगर आप आ नहीं पा रहे तो आपको शीट व्हाट्सअप कर दिया जाएगा कि ये आपका शीट रहा। वैसे ईजी यही रहेगा कि शीट को व्हाट्सअप कर दिया जाए, इससे क्या होगा कि आपके जेरोक्स कराने का पैसा बच जाएगा, है ना, कि जेरोक्स कराना है जेरोक्स कराना है। अभी जब हम लोग यहाँ पर पूरा एक्सपेंशन कर लेंगे, जब प्रॉपर कोचिंग ग्रो हो जाएगी तो हम लोग पूरा प्रॉपर बुकलेट बना करके उसको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों दे देंगे। अगर बच्चों को चाहिए कि सर हमको बुक दे दीजिए, तो उनको बुक दे देंगे, और नहीं तो ऑनलाइन दे देंगे। अब देखो हम लोग जो फिजिक्स में सबसे पहले पोर्शन को डिवाइड करते हैं कि 11th में क्या क्या पोर्शन सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर आप अपना बोर्ड का मतलब 11th का एग्ज़ाम देखें, स्कूल का एग्ज़ाम, तो ऐसे में क्या होता है कि हर चैप्टर में हर एक थ्योरी आपको करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन समझना सब है, क्योंकि आपको आगे जाके कोई ना कोई एग्ज़ाम टारगेट करना है, कोई बड़ा एग्ज़ाम टारगेट करना है, उसके हिसाब से लेके चलना है।
तो सिलेबस आपको 100% कवर करना है, लेकिन किस पॉइंट ऑफ व्यू से, उस बड़े पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका स्कूल एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू उतना टफ नहीं होगा, वो तो आप समझेंगे अरे ये तो ऐसे ही हो जाएगा, ये तो ऐसे ही हो जाएगा जब क्लास रन करेगी एक बार। तो देखो हम लोग करेंगे कंप्लीट थ्योरी, कंप्लीट न्यूमेरिकल, उसके बाद डाउट सेशन। देखो थ्योरी न्यूमेरिकल कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको जब तक पता नहीं चलेगा, अब तुम मान लो कि तुम पेशेंट हो, हम डॉक्टर हैं, तो हमको पता चलना चाहिए ना कि तुम्हारी मेन प्रॉब्लम क्या है। अब जैसे तुम अगर हमसे बोलोगे कि सर यहां टच कर रहे हैं तो सर में दर्द हो रहा है, ठीक है, यहां टच कर रहे हैं हाथ में दर्द हो रहा है, यहां टच कर रहे हैं पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम तुम्हारे उंगली में घाव है, मतलब ये उंगली ही दुख रही है, तो हमको वो चीज जानना है। तो ये चीज कैसे हम जान पाएंगे, जब तुम ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो तुम उसमें देखोगे कि अच्छा ये क्वेश्चन तो हमसे हो जा रहा है, ये वाला क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आप एवरी डे और तेज होते जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब कोई वैरायटी बचेगी ही नहीं, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब इसमें एक चीज है जो आपका जाएगा, वो है टाइम, टाइम जाएगा। अब वो टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा पॉइंट होता है। जो बच्चे यहां वहां जा करके 1.5-2 लाख रुपए दे करके अपना पूरा साल वहां बैठे रहते हैं, एक रूम में अपने आपको बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको इतना ज्यादा वर्कलोड होता है ना क्वेश्चन सॉल्व करने का। जैसे आज तुमको 20 क्वेश्चन मिल गया, अब 20 क्वेश्चन कब सॉल्व करोगे, उसके लिए टाइम चाहिए ना। अब वो 20 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे वो अलग बात है, आ जाओ, वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे वो तो अलग बात है, वो सॉल्व होगा या नहीं होगा वो मैटर है ना। टाइम कब दोगे, देखो पहला चीज है टाइम, दूसरा चीज है कि सर वो क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले तुम लोग ये फिगर आउट करो कि तुम लोग अपने दिन भर के में कहां कहां टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसको कट कर दो, मतलब एकदम रेडी हो जाओ कि अब प्रिपरेशन में लगना है, आज से उतर जाना है एकदम। जैसा जैसा गाइड किया जाएगा वैसा वैसा हम लोग करते जाना है। जाओ लेते हो कुछ, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। ओके, तो डाउट के लिए आप लोगों को हमसे पूछना होगा, ठीक है, लाइव क्लास में यहां आके पूछो। अगर नहीं समझ में आ रहा, बरसात हो रही है या फिर नहीं आ पा रहे हो, तबीयत खराब है, अच्छा एक चीज और, कॉल करके पूछ लो। एक चीज और, अपने आप को मशीन की तरह बना के रखो अगले 2-3 साल के लिए। मशीन क्या है ना, वो बीमार नहीं पड़ती है, मशीन में इमोशन नहीं होता है, मशीन की तरह बन जाओगे। मशीन पता है कितनी अच्छी होती है, बटन दबाओ ऑन, बटन दबाओ ऑफ। ऐसे ही तुमको भी होना है कि जब तुम लोग एग्जाम दो, एग्जाम देने के बाद अपना रोल नंबर टाइप करो अगर कंप्यूटर में, जिस दिन रिजल्ट आता है मारो इंटर, अरे एकदम सब मजेदार हो जाए। तो अब फिजिक्स में हम लोग शुरू करते हैं कि सबसे स्ट्रांग पोर्शन आपको क्या रखना है। एक चीज और समझो, तुम लोग एंटायर फिजिक्स 11th का और 12th का नहीं समझ सकते। देखो जब तुम टीचर बनोगे तो तुम समझ जाओगे, लेकिन उसमें लगता है टाइम। मतलब यह है कि अगर हमको पूरा का पूरा फिजिक्स समझना है तो हमको उतना टाइम देना पड़ेगा ना। अगर पूरा टाइम मेरे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यह समझेंगे कि कौन सा पोर्शन सबसे टफ होता है, अगर वो समझ लिए तो बाकी फिजिक्स आसान हो जाती है। तो वो है फिजिक्स का मैकेनिक्स। मैकेनिक्स अगर आपको मैकेनिक्स कंप्लीटली समझ में आ गया तो बाकी फिजिक्स मैकेनिक्स के दम पे ही रन करती है, फिर वो 11th की फिजिक्स हो या 12th की फिजिक्स हो, लास्ट में आकर के वो मैकेनिक्स से ही हैंडल किया जाता है। 11th की फिजिक्स अपनी जगह है, उसमें जो मैकेनिक्स का बिल्डअप होगा ना कॉन्सेप्ट, मेरा एग्जांपल समझो। देखो मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स है ईटा बालू छड़ गिट्टी सीमेंट, ये है मैकेनिक्स। अब इससे तुम फिजिक्स के बाकी पोर्शन बना सकते हो, ये घर बना लो, ताजमहल बना लो, जो बनाना है बना लो, ठीक है, लेकिन ये पोर्शन अगर जिसका वीक रहेगा वो फिजिक्स को नहीं समझ पाएगा। तो फिर जानते हो तुम फिजिक्स में क्या समझ पाओगे अगर मैकेनिक्स वीक रहा तो ठीक है सर ऑप्टिक्स हमको आता है थोड़ा बहुत, वो तुम लोग 12th में ऑप्टिक्स ना, सर मॉडर्न फिजिक्स थोड़ा बहुत आता है, लेकिन फाइनली हर क्वेश्चन में मैकेनिक्स लग जाती है, हर क्वेश्चन में मैकेनिक्स लगती है, लास्ट में जाकर लगी जाती है मैकेनिक्स। तो हम लोग सबसे पहले मैकेनिक्स समझेंगे। अब मैकेनिक्स में देखो दो बातें होती है मैकेनिक्स में, एक होता है जो यूनिफॉर्म होता है, एक होता है जो नॉन यूनिफॉर्म होता है। ये यूनिफॉर्म का मतलब मेरा मोशन से है। हम लोग जितना भी मैकेनिक्स पढ़ेंगे, जितना ही मैकेनिक्स दुनिया में है, वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, यूनिफॉर्म मैकेनिक्स और नॉन यूनिफॉर्म मैकेनिक्स। हम मोशन नहीं बोल रहे, जब मोशन पे आएंगे तो मोशन समझा देंगे। देखो मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, तो अब इसमें यूनिफॉर्म पे आ जाओ, तो यूनिफॉर्म का तुमको पता है वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप, जब यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे तो उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट कर देंगे, नॉन यूनिफॉर्म की बात करेंगे तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी,
इसका मतलब समझते हैं फिजिकली, उसके बाद हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। देखो तुम्हारे 11th के पोर्शन में, चाहे वो तुम्हारा 11th का पोर्शन हो, चाहे आईटीजी का, चाहे नीट का, उसमें जो शुरुआत का चैप्टर होता है, जो पहला चैप्टर होता है, उसमें हम लोग यूनिट, मेजरमेंट, डायमेंशन, ये सब डिस्कस करते हैं। लेकिन एक्चुअली देखो उस चैप्टर को लास्ट में कवर करना चाहिए, क्योंकि जब तुम पूरा फिजिक्स समझ जाते हो तो उस चैप्टर के लिए सब कुछ ईजी हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी अगर हम बोलें कि टेस्ला किसका यूनिट है तो तुम लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। भले हम ये बोलें कि मीटर पर सेकंड किसका यूनिट है तो तुम बता दोगे, क्योंकि तुम मोशन जानते हो। इसी तरह से अगर मोशन जानते हो तो यूनिट पता है, यूनिट अगर पता है तो वो चैप्टर का वो क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इसलिए हम लोग पहले पूरा फिजिक्स करेंगे, लास्ट में उस चैप्टर को कर लेंगे, बहुत ईजी चैप्टर है, आराम से हो जाएगा। देखो हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं मैकेनिक्स का पोर्शन। मैकेनिक्स के पोर्शन में हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे मोशन का चैप्टर, वो वैसे ही बटा हुआ है तुम्हारे सिलेबस में, ठीक है। पहले मोशन आएगा, फिर मतलब बेसिक समझेंगे, फिर हम लोग समझेंगे मोशन कितने टाइप के होते हैं, फिर उसमें डायमेंशन को समझेंगे, 1D क्या होता है, 2D क्या होता है, 3D क्या होता है, और उसमें एग्जांपल्स को समझेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो मोशन तो समझ गया, उसके बाद इस मोशन को गवर्न कैसे किया जाएगा, उसके लिए कुछ नियम कानून है कि नहीं है, इसीलिए फिर अगला चैप्टर आता है लॉज ऑफ मोशन। देखो फिर कैसे सुंदर तरीके से बना हुआ है, पहले तुम मोशन समझोगे, ठीक है मोशन है, हाँ मोशन है, सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। तो कौन कौन से लॉज हैं जो मोशन को गवर्न करते हैं, तो तीन लॉज होते हैं न्यूटन के, वो तीनों लॉज समझेंगे हम लोग। अब देखो मोशन समझ गए, लॉज समझ गए, अब देखो कितना सुंदर डिफिनेशन इसका। जब मोशन समझ में आ गया, उसके लॉज समझ में आ गए, तो ये बात भी तो है कि उसका करोगे क्या, जब भी मोशन करवाओगे तो होगा वर्क, खर्चा होगा क्या, एनर्जी। तो इसलिए अगला चैप्टर क्या हो जाता है, वर्क पावर एनर्जी, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप समझना होता है। तो जिसका अगर पहला चैप्टर कंप्लीट, तो नए चैप्टर में थोड़ा बहुत और ऐड कर दो तो ये पूरा कंप्लीट, फिर नेक्स्ट चैप्टर में थोड़ा बहुत और ऐड कर दो ये चैप्टर कंप्लीट। अब जिस बच्चे का मोशन ही नहीं क्लियर रहेगा, उसका वर्क एनर्जी कैसे क्लियर होगा। बच्चों को क्या लगता है ना कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रट लिए, पोटेंशियल का रट लिए, तो वो चैप्टर तैयार हो गया। देखो ये चैप्टर को तब तैयार माना जाएगा जब ये सब तैयार है, और स्टेप बाय स्टेप जाओगे ना तो आराम से सब फिक्स हो जाएगी। जब ये सब कुछ खत्म हो जाता है, वर्क पावर एनर्जी वगैरह खत्म हो जाता है, तो स्पेशल यूनिट शुरू होती है रोटेशनल फिजिक्स। इस मैकेनिक्स का ही पोर्शन है, हम लोग जो मोशन पढ़ते हैं उसको करते 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 यहां तक आ जाएंगे वर्क पावर, फिर रोटेशनल फिजिक्स, मतलब हम लोग स्पेशल मोशन पढ़ेंगे, उसमें क्या होगा, वो रोटेट करेंगी चीजें, तो उसमें आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बच्चे बहुत डरते हैं उससे कि सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता, ये क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ये सब बहुत ईजी समझ में आ जाएगा। जब ये सब कुछ समझ में आ जाता है तो ये सब तुम कर कहां पे रहे हो, धरती पे तो कर रहे हो, हम लोग धरती पे क्यों हैं, क्योंकि ग्रेविटेशन है, तो फिर चैप्टर है ग्रेविटेशन का। और ऐसे करते करते जब बेसिक बेसिक इतना तैयार हो गया ना, तो समझ लो फिजिक्स तैयार, उसके बाद फिजिक्स में कुछ नहीं बचता। जैसे मान लो किसी को साइकिल चलाना आ गया तो साइकिल से वो कहीं भी जा सकता है, मैकेनिक्स वैसी है, अगर मैकेनिक्स समझ लिए तो तुम पूरा फिजिक्स समझ लोगे आसानी से। और उसके बाद जिन बच्चों का कॉम्पिटिशन नहीं निकलता है, वो इसलिए नहीं निकलता क्योंकि उनको फिजिक्स नहीं आती है, फिजिक्स नहीं आती है क्यों, क्योंकि उनका बेसिक नहीं क्लियर है, यही सब। चलो शुरू करते हैं। पता है बहुत जल्दी डिजिटल बोर्ड हम लोग कर लेंगे, डिजिटल बोर्ड के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ देख रहे हैं कौन सा डिजिटल बोर्ड अच्छा है खराब है, उसमें क्या होता है टाइम बचता है, ये मिटाने का टाइम, उसमें बस दबा दो बटन सब डिलीट खत्म। तो तुम लोग यूट्यूब पे देखते हो कि जो हम आईपैड पे पढ़ाते हैं तो उसमें काफ़ी ईजी होता है मेरे लिए, स्क्रॉल करते चले, अब इसको कैसे हम स्क्रॉल करें, ठीक है मिटाना पड़ता है, इसमें टाइम जाता है और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो तो थोड़ा थोड़ा लिखेंगे ताकि थोड़ा थोड़ा मिटा दें, ठीक है पूरा लिख देंगे तो पूरा मिटाने टाइम चला जाएगा, हम इतना ही पोर्शन ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जब हम लोग मोशन पढ़ रहे होते हैं एकदम शुरुआत डे वन टॉपिक वन, तो मोशन को पढ़ने में कौन कौन से स्मॉल स्मॉल चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। देखो एक चीज बता रहे हैं, बस लेक्चर को सुनते जाओ, लास्ट में नोट कर लेना अपने हिसाब से, जो नहीं समझ में आएगा वो नोट करना, जो समझ में आएगा उसको नोट मत करना, क्योंकि वही पेज तुम रिवाइज करोगे जो नहीं समझ में आता है, जो समझ में आता है उससे उसको भी अगर लिखोगे उसमें ना, तो तुम्हारा बुक मोटा हो जाएगा। और वीडियो तो है ही हमेशा, जब मन करेगा एक बार सो रहे हो मन नहीं लग रहा चलो एक बार वीडियो देख लिया, तो 2x पे देख लेना, 2x समझते हो वो स्पीड इंक्रीज करती है, हाँ सब रिवाइज हो जाएगा फटाफट। और एक और चीज़ देखो, तुमको यहाँ से हम क्या क्या देने वाले हैं, तुम्हारा तो पहले पूरे साल क्लास चलेगा ही चलेगा, उसके बाद
जो जब हर चैप्टर कवर हो जाता है तो उस चैप्टर का पूरा कंप्लीट मॉड्यूल शॉर्टकट में, मतलब आधे घंटे में पूरा चैप्टर कैसे रिवाइज करें उसका टेक्निक दे दिया जाएगा। फिर उसके बाद ऐसे करते करते जब पूरा फ्रिज तैयार हो जाएगा तो उसका हम क्रैश कोर्स करवाएंगे फिर से। क्रैश कोर्स का मतलब ये होता है कि आपको पूरी फिजिक्स 8 दिन में खत्म 10 दिन में खत्म, ताकि आपका पूरा रिविजन हो जाए। आपको आपके सहारे नहीं छोड़ेंगे, आपको मेरे सहारे रहना है। लेकिन एक चीज़ हमको आप लोगों से चाहिए, हमको जानना है कि कहाँ पर डाउट आ रहा है। आप लोगों को जब हम शीट देंगे ना क्वेश्चन करने के लिए, तो आज हम जैसे जब ये क्लास खत्म हो जाएगी तो आपको हम क्वेश्चन का शीट व्हाट्सअप कर देंगे, ठीक, सॉल्यूशन के साथ। आप सॉल्यूशन भी देखिए, आपको वही सारी शीट करके लानी है। सॉल्व हो गया तो अच्छी बात है, नहीं सॉल्व हुआ तो डाउट पूछेंगे, ठीक। डिस्टेंस क्या होता है सबको पता है क्या होता है? वेरी गुड, एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ मतलब असली दूरी। मान लो कि हम यहां से शुरू करते हैं, यहां से शुरू करके यहां तक गए, रास्ता तो नहीं दिख रहा, कैसे गए? रास्ता तो नहीं दिख रहा, तो जब हम रास्ता बनाएंगे कि हम कैसे गए, ऐसे ऐसे गए, ऐसे ऐसे गए, मतलब ऐसे ऐसे गए या फिर ऐसे ऐसे गए, तो ये जो असली लेंथ है उसमें जब तुम चलोगे तो उसमें खर्चा होगा पेट्रोल, अगर गाड़ी से जाओगे तो कहने को तो ये करेगी, कैसे भोजपुरी में कहते हैं, अरे दरिया चल जा, कहते ना अरे दरिया। लेकिन हम लोगों का वो पाथ डिफाइंड होता है। हम बोलेंगे कि दो मकान बाद है, अरे ये कैसे जाओगे, कैसे दो मकान बाद गाड़ियां उड़ा दोगे क्या? दो मकान बाद जाने के लिए असली पाथ चाहिए, वही होता है डिस्टेंस, असली पाथ। तो मान लो यहां से यहां आए 1 मीटर, ठीक है, लेकिन अब यहां पे तुम्हारा दुश्मन खड़ा है, कह रहा हम इधर जाने नहीं देंगे, रास्ता है लेकिन कह रहा हम जाइए, फिर वो यहां से मोड़ दिया तुमको 1 मीटर और, फिर ऐसे मोड़ दिया चलो मान लो 1 मीटर और, तो तुम यहां पहुंचे। तो देखो अगर ये रास्ता ऐसे और ऐसे नहीं आना होता, 1 मीटर सब 1 मीटर है, 1 मीटर 1 मीटर सारे 1 मीटर है। देखो अगर तुमको ऐसे जाना होता तो तुम्हारा पेट्रोल कम लगता, तो जो रियल है एक्चुअल पाथ है वही होगा तुम्हारा डिस्टेंस, और जो शॉर्टेस्ट पाथ है डिस्प्लेसमेंट होगा। एक चीज और, शॉर्टेस्ट पाथ की जब हम लोग बात करते हैं तो शॉर्टेस्ट पाथ का ये मतलब नहीं होता कि उस पर से मोशन पॉसिबल है या नहीं है, इससे ये मतलब नहीं होता, ठीक है। मतलब अगर हम दो पॉइंट दे दें ए और बी, तो हमको इससे मतलब नहीं है कि उस पर मोशन पॉसिबल है या नहीं, हमको बस पूछना है कि डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो तुम ये नहीं बोलोगे सर मोशन तो इस पर हुआ ही नहीं था, उससे नहीं मतलब है, बस शॉर्टेस्ट पाथ बताओ। तो अभी यहां पर मान लो हम ये पॉइंट दे दें ए, ये पॉइंट दे दें बी, ए और बी के बीच का हम पूछे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो तुम बता दोगे कि 3 मीटर है, 3 मीटर हुआ ना, 1 मीटर ये, फिर 1 मीटर ये, क्योंकि ये भी 1 मीटर है, तो 1 मीटर 3 मीटर हो गया। डिस्टेंस पूछे तो खट खट ऐड करोगे, हो जाएगा। देखो अगर हम तुमसे अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ कर देते हैं, हम यहां तक का नहीं पूछते डिस्टेंस, हम डिस्टेंस यहां तक का पूछते हैं पॉइंट सी, तो तुम क्या करोगे, 1 2 3, 3 मीटर है। अब देखो हम इस क्वेश्चन को टफ करेंगे पूछ करके डिस्प्लेसमेंट, जब डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे तो बच्चे मिस्टेक करेंगे। डिस्प्लेसमेंट का मतलब यह है, कुछ बच्चे जैसे तुम 2 मीटर बोल रही हो, ठीक है, जल्दी जल्दी में अगर पूछें, अगर मान लो हम इस पे 10 रुपए रख दें कि हम 10 रुपए का ये क्वेश्चन है इनाम है, फट से आंसर दो, बच्चे क्या करेंगे, जैसे भी हो लेकर के यहां से शुरू करना है, पहुंचना है यहां पर, तो ये पूरा डिस्टेंस होगा, ठीक है। अब ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, अब ये वीकनेस हुआ ना मैथमेटिक्स का, जिस बच्चे को ज्योमेट्री में कमी है वो ये क्वेश्चन आता है, सब कुछ पता है, फिजिक्स पता है, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं लग पाएगा कि ये डिस्टेंस कैसे निकाली जाए, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, यहां से डिस्टेंस आराम से निकल जाएगा, हम बता रहे हैं कैसे। ये सिमेट्रिकल है, डायग्राम सिमेट्रिकल है कि नहीं है? सिमेट्रिकल का मतलब ये होता है कि जैसा इधर है वैसा इधर है, छोटा बड़ा नहीं है, ठीक है, तुमको जरा भी दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सोच के देखो कि ये क्वेश्चन कैसे लगेगा, किससे बेटा, ट्राई करो बताने का, ट्राई करो बताने का, पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस से कैसे लगाओगे, यहां आ जाओ, यहां आके बोर्ड पे टिक करके बताओ, आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, बताओ तुम लोगों में से किसी को आइडिया है कैसे लगेगा, ट्राई कर सकते हो, ये तो सोचने की बात है, ये सोचने की बात है,
ये आपको सोचना पड़ेगा। इसका ये मतलब है कि आप लोगों को ज्योमेट्री के भी क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए थोड़े से, ठीक है। उसके आपको हम एक शीट देंगे, वो फटाफट कैसे निकलता है डिस्टेंस आप सीख जाएंगे उसमें। हाँ यहाँ अगर बताइए कितना आया, 2.50 आ रहा है, ओके वेरी गुड। देखते हैं, देखिए अगर आपको हम ये बता दें कि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी तब तो आप क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि ये 1 मीटर है यहां से यहां, मान लो इसको हम बोलते हैं पॉइंट P, इसको हम बोलते हैं पॉइंट Q, इसको हम बोलते हैं पॉइंट R, तो ये जो पी क्यू आर है, ये पी क्यू और क्यू आर इक्वल इक्वल है, लेकिन ये कैसे इक्वल होगा, ये आपको कैसे सोचना था, हम तो जान रहे हैं। आपको ऐसे सोचना था कि यार यहां से यहां तक ये पूरा 1 मीटर है, यहां से यहां तक ये पूरा 1 मीटर है, ये भी 1 ही मीटर है, बीच से कट कर रहे हैं, कोई तो थ्योरम लग रहा होगा इसमें, उससे ट्रायंगल से कुछ तो कॉमन होगा, चलो ठीक है। अगर पी क्यू पी ए और आर सी इक्वल है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये वाला एंगल भी इक्वल है, वेरी गुड। देखो वो क्या बोल रही है, वो बोल रही है कि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है, चलो ठीक है, बहुत हद तक पहुंच गए हो तुम लोग। एक और कुछ भी खोज दो काम हो जाएगा, कुछ भी एक और खोज दो, खोजो अरे जबरदस्त, ये ही तो इसमें ट्रिक था कि सर अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइंस हैं और उनको ये लाइन कट कर रही है, ठीक है, ये लाइन कट कर रही है, तो मिल गया ना कुछ और हमको, तो हम लोगों को ये वाला मतलब ये वाला ढूंढना था और ये वाला ढूंढना था, ठीक, ये मिल गया। इतना दूर क्यों गए, गए बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट यू, हैव वन मोर थिंग सर्च दैट, वेरी गुड, वो तो साफ साफ दिख रहा है ना, यहां 90 तो दिख ही रहा है, ले दे करके ये समझ में आ गया कि ये इक्वल होगा, सब कुछ इक्वल है, तो ये समझ में आ गया कि ये वाला इक्वल होगा। देखो अब हम बताते हैं, जिसका फिजिक्स स्ट्रांग है कहीं ना कहीं उसका मैथ अगर वीक हो गया तो वो फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, इवन दो दे नो द कॉन्सेप्ट लेकिन वो नहीं कर पाएंगे, मैथ स्ट्रांग होना जरूरी है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, कई बार ऐसा होता है नीट का जो फिजिक्स होता है, नीट का फिजिक्स वो आईआईटी से इजी बनाया जाता है, क्योंकि उनको इंजीनियर्स नहीं चाहिए, उनको डॉक्टर्स चाहिए, आपका बायो स्ट्रांग होना चाहिए, और बायो के लिए सभी लोग ये बोलते हैं कि सर बायो हमको करने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी कर लो काम खत्म, और सच में ऐसा होता भी है, सारे टॉपर्स यही बोलते हैं एनसीईआरटी कर लो बस हो जाएगा बायो, तो नीट में फिर बचा क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री, नीट का गेम चेंजर है फिजिक्स, नीट का गेम चेंजर है फिजिक्स, जिसको फिजिक्स आई उसका नेट निकल गया, खटाक से डॉक्टर बन जाओगे। चलो यहां पे देखो, ये डिस्टेंस निकालना आसान है, अब ए क्यू कैसे निकलेगा, लेकिन हमको ये तो पता ही नहीं है, वेरी गुड, वन था तो हाफ हो जाएगा, 0.5 डिस्टेंस निकल गया, तो तुम लोग इसको निकाल के रख लेना, देखो कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर, उसका रूट निकालना मत भूलना, मिस्टेक हो जाएगा, सेम चीज डबल कर दो यहां पे, इंटू 2 कर देना तो ये पूरा निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट निकल गया। चलो अब ऐसा सिमिलर क्वेश्चन करने में दिक्कत आएगी अगर तुम्हारा ये लेंथ या ये लेंथ सेम ना हो, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा जियोमेट्री के हिसाब से, जिसकी मतलब जिस बच्चे की ज्योमेट्री स्ट्रांग रहेगी उस बच्चे का हो जाएगा। अब वो तो फिर इसका विषय नहीं है इसलिए यहां नहीं लेते उसको, उसको हम लोग बाद में देखेंगे, मैथ में देखेंगे, मैथ तो हमको कराना है, अच्छे से कराएंगे मैथ भी। अब देखो हम लोग लेते हैं डिस्प्लेसमेंट का अगला क्वेश्चन, थोड़ा टफ क्वेश्चन लेते हैं डिस्प्लेसमेंट का, नोट कर रहे हो क्या, ठीक, चलो ये क्वेश्चन देखो,
वीडियो में पॉज करके तुम लोग अपना नोट्स बनाना अच्छे से, ठीक है, सारे क्वेश्चंस का। ये क्वेश्चन देखो, लेकिन अब अगला जो क्वेश्चन है उसको भी समझने के लिए ज्योमेट्री का हेल्प लेना पड़ेगा। एक्चुअली ये टॉपिक इतना ईजी है ना कि बिना मैथ्स के काम नहीं बनेगा। अब हम डिस्प्लेसमेंट में और क्या पूछेंगे, यही तो पूछेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो वो जब भी निकालोगे कहीं ना कहीं से वो ज्योमेट्री में घुस जाएगा, या सर्कल बन जाएगा, या ट्रायंगल बन जाएगा, या ऐसे कुछ बन जाएगा। चलो अब टफ क्वेश्चन देखते हैं। चलो यहां पॉइंट ए से कोई व्हीकल है जो मोशन शुरू करता है और वो जाता है पॉइंट बी तक। हम डिस्टेंसेस बताते हैं, ये भी है 2 मीटर, ये भी है 2 मीटर, ये भी है 2 मीटर और ये भी है 2 मीटर। पॉइंट ए से बी तक गया है। अब ये एंगल हम तुमको दे देते हैं, डीएम 60 डिग्री। तुम्हारा काम है डिस्प्लेसमेंट बताना कि ए से बी तक गया है, डिस्प्लेसमेंट बताइए। ट्राई करो इसको। हाँ फिर से बोलो बेटा। 200 2 अंडर 2 2 अंडर 2। अच्छा गुड ट्राई। थोड़ा बहुत आ रहा है बेटा, आइडिया लग रहा है, पाइथागोरस लगा रहा है, लगा रही हो, वेरी गुड बेटा। तुम क्या लगा रही हो? नहीं लगा रही हो, ओके। तुम लोग एक काम करना, जब लेक्चर चल रहा होगा तो तुम लोग ना रफ नोटबुक यूज करना, क्योंकि तुम लोग को ऐसे क्योंकि तुम लोग जो सॉल्व करोगे वो तो गलत भी हो सकता है, तो रफ पेज यूज करना, रफ नोटबुक यूज करना। घर पे जाके प्रॉपर नोट्स बनाना वीडियो देख करके, ठीक है, रिवाइज भी हो जाएगा इसी बहाने। देखो तुमको ये समझना है ना, क्वेश्चन लगाना लगाना अलग बात है, क्वेश्चन पे सोचना कैसे है, सोचना कैसे है क्वेश्चन पे, देखो वही तो डेवलप करना है थॉट प्रोसेस। तुमको यहां से ज्यादा पहुंचना है, यहां से ज्यादा तुम ऐसे पहुंचो चाहे ऐसे पहुंचो बात बराबर है, क्योंकि अभी भी सिमेट्रिकल लग रहा है ना, ठीक है। हमको यहां से एक लाइन ड्रॉ करनी है, इसी का लेंथ हमको फाइंड करना है। हम लोग एक छोटा सा काम कर सकते हैं, चलो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा, थोड़ा बहुत, हाँ वेरी गुड। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहां से साइड से एक ड्रॉ कर दो लाइन ऐसे, और थोड़ा सा इसको बढ़ा दो। चलो अब ट्राई करो, कर सकते हो क्या? अब जरा ट्राई करो। एक ट्रिक इसमें है, वो ट्रिक बहुत आसान है। देखो आसान तरीका ये है, तुम ये बताओ कि ये जो ए से ऊपर की तरफ लाइन जा रही है ये लाइन, और बी से नीचे जा रही है ये लाइन, पैरेलल है ना, इस शेप को क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम? कोई और नाम?
वेरी गुड, वो ज़्यादा क्लोज है। पैलोग्राम तो ठीक है, हाँ रॉम्बस बोलेंगे। अब जरा देखो, ये वाला और ये वाला पैरेलल है, ठीक है। ये मान लो कि ये लाइन कट कर रही है, तो ये एंगल 60 कर देंगे। ये 2 पता है हमको। अब यहां पर जिसका ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग होगा वो ये निकाल लेगा, ये निकाल लेगा। तो जब ये निकल गया, ये निकल गया पूरा, क्योंकि ये 2 पता है, ये निकल गया। फिर लगा दो पाइथागोरस। तो एक्चुअली ये फिर से क्वेश्चन नहीं था, ये फिर से था मैथ का क्वेश्चन। तो देखो कहां पे मिस्टेक हो रही है, ज्योमेट्री में मिस्टेक हो रही है, स्ट्रांग करना है, उसके लिए हम शीट देंगे, स्ट्रांग कर लेना। तो देखो ये निकला कैसे, ये 60 डिग्री है। बहुत सारे बच्चों को एग्जैक्ट पता होना चाहिए, आपका स्पीड इतना ज्यादा होना चाहिए। देखो जो जब भी तुम्हारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हो, एक ट्रिक बता रहे हैं, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, अगर ये एंगल थीटा है तो एक साइड तो फिक्स ही रहेगा, हाइपोटेनियस वाला साइड, ये साइड हमेशा फिक्स रहेगा। मान लो अगर ये साइड एक्स है तो थीटा जिस साइड पर बेस्ड है, ये इस पर बेस्ड है, वो उसका पूरा लेंथ आता है एक्स कॉस थीटा, ठीक। इसको ट्रिक की तरह फास्ट यूज करना है, और ये वाला आएगा एक्स साइन थीटा, एक्स साइन थीटा। अब इसमें मिस्टेक क्या होगी, तुम फ्यूचर में ये भूल जाओगे कि ये वाला साइन रहेगा, ये वाला साइन रहेगा, जिस पर वो बेस्ड है एंगल वो कॉस रहेगा। कॉस का एक बेसिक फॉर्मूला होता है ना हिंदी में, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बेस, ठीक है, आधार बट बेस। अब देखो ये साइन निकल गया, तो ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 है तो ये जाएगा 2 cos 60, ठीक है ना, ये 2 sin 60। तो ये आराम तुरंत निकल गया। देखो अब कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा और ट्रिक लगाते हैं, अगर मान लो ये थीटा हम ना दें, हम थीटा इसको दे दिए, तो क्या करोगे, ये कॉस हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा, ठीक, आसान जा रहा है ना। देखो अगर हम अपना ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ कर दें, ठीक, इसको हम कह दिए एक्स, हम दे दिए ये, तो ऊपर वाला एक्स कॉस थीटा, ये एक्स साइन थीटा। अब ट्रायंगल तुम कुछ भी घुमा लो, कुछ भी टफ क्वेश्चन भी तुम बता दोगे, चलो ट्रायंगल घुमाते हैं, तुम ट्रायंगल ये ले लो, ये हो गया 10 मीटर, हम दे दिए ये एंगल 30 डिग्री, हम तुमसे डायरेक्टली इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, बताओ डायरेक्ट आंसर बताओ, वेरी गुड, 5 एग्री है आप लोग, डाउट है तो चेक कीजिए, ये 30 है तो यही 30 होगा ना, सॉरी ये 10 है तो ये कॉस 30 होगा ना, ये साइन 30 होगा, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, 10 × 1/2 5, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। ऐसे फास्ट हो जाओगे तुम लोग, क्योंकि जब तक ट्रिक नहीं पता रहेगा तब तक। अब जैसे मान लो, तब बता ट्रिक कैसे काम करता है, मान लो तुम लोग योद्धा हो, योद्धा तो पास सब कुछ है, रॉकेट लॉन्चर भी है, बंदूक भी है, चाकू भी है, सब कुछ है। अगर कोई आदमी बिल्कुल पास में खड़ा है, इतना पास में खड़ा है कि अब तुम्हारा लॉकेट लॉन्चर एडजस्ट करने का जगह ही नहीं है, वो इतने पास में खड़ा है, उस कंडीशन निकालो चाकू, मार दो, काम खत्म, ठीक है। तो वो सब सीख लेंगे हम लोग प्रैक्टिस में, सब कुछ सीख लेंगे। इस बार अगर तुम लोग IIT दोगे निकल जाएगा, आराम से निकलेगा IIT। बच्चे क्या करते हैं, IIT कैसे निकालते हैं, यूट्यूब से कुछ खास खास टीचर्स के अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, उनके डाउट्स रह जाते हैं, ये प्रॉब्लम हो जाती है जो सेल्फ स्टडी करते हैं। अब डाउट रह जाएगा तो फिर ग्रो नहीं कर पाएंगे ना, जितना समझ में आया उतना आया, वही तो क्वेश्चन आएगा नहीं एग्जाम में, एग्जाम में नया क्वेश्चन आएगा, नए क्वेश्चन में आपको सोचना पड़ेगा, तो सोचना जरूरी है। देखो एक दिन में तुम सोचना सीख नहीं सकते, उसमें लगेगा थोड़ा टाइम, वो टाइम देना होगा, इसलिए तो लोग 1-2 साल लेते हैं IIT निकालने के लिए। चलो देखो, जिसके पास पैसा है वो तो IIT की तैयारी करे, जरूर करना चाहिए, जिसके पास पैसा नहीं है उसको हम करवा देंगे, काम हो जाएगा। बस यही है ना, कहां करें,
आ जाओ सब लोग कर लो। चलो अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसका टफनेस लेवल देखते हैं। हम तुमसे ये पूछते हैं कि एक सर्कल देते हैं यहां से यहां, ठीक है। अब उस सर्कल में तुमको हम यहां से शुरू करते हैं पॉइंट ए से, ये सेमी सर्कल है। यहां से हमको निकालना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों। इस क्वेश्चन में यहां से व्हीकल चलना शुरू किया, यहां तक आया, ये पॉइंट बी है, ठीक। ये पूरा रेडियस, ये पूरा रेडियस चलो 10 मीटर का है। अब तुमसे ये बोलते हैं कि हम लोग यहां से मूव करके यहां पर आ गए, बी से मूव किए यहां पर आ गए, इसका हम नाम बोल देते हैं सी। और जर्नी की डिटेल देखो ऐसे है, ए से गए बी तब आए सी, ठीक। तुम ए से सी पे जाके बी पे ऐसा नहीं है, पहले तुम ए से बी गए, इस रास्ते से गए, उसके बाद वापस आए। अब तुमको क्या करना है, यहां से हम तुमको एक एंगल बना के देंगे, वो एंगल देंगे 30 डिग्री, ठीक है। अब तुमको इस जर्नी में बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखो ये क्वेश्चन टफ लग रहा है शुरुआत में, पहले ये समझना है हमको कि शुरुआत में क्वेश्चन टफ लग रहा है या लग रहा है कि थोड़ा सोचो तुम लोग, सोचो बेटा, सोचो। ठीक है, वेरी गुड, रेडियस दिया है तो ये पाई आर हो जाएगा, इतना तो ठीक है। जानते हो ये क्यों सोच पा रहे हो तुम लोग, क्योंकि तुम लोग को ये पता है कि सर्कल में 2πr होता है। अब इसके आगे का स्टेप कौन सोच पाएगा, जिसको एक और फॉर्मूला याद है मैथ का, आर वाला फॉर्मूला। हाँ, जिस बच्चे को आर वाला फॉर्मूला याद है वो इस क्वेश्चन को क्रैक कर लेगा। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए तुमको तीन फॉर्मूले चाहिए। एक फॉर्मूला चाहिए वो 2πr वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फिर चाहिए कि वो जो ये जो आर्क वाला होता है कि यार ये लेंथ कैसे निकलती है, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है। अब देखो बताते हैं, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, इसका ट्रिक क्या है। हाँ, रेडियन वाला फॉर्मूला है, इसका ट्रिक क्या है। तुम जब बोले कि ये रेडियन वाला फॉर्मूला है, तो रेडियन का मतलब क्या, ये तो 30 डिग्री दिया हुआ है, चेंज कर देंगे एंगल का, चेंज कर देंगे। अब सुनो मेरी बात, इसका ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है कि ये ए और ए दोनों ही ऊपर रहते हैं, इसका ट्रिक ये है, ठीक है। मतलब ये है एंगल आर्क बाय रेडियस, इसका एक ट्रिक है। देखो ट्रिक क्या है, तुम लोग ये तो पता है ना कि आर्क वाला फॉर्मूला, ये तो पता है आर्क वाला फॉर्मूला। देखो इसका ट्रिक समझो, आर्क वाला फॉर्मूला कभी नहीं भूलोगे। आर्क, एक आर्क तो खुद ही हो गया आर्क, इसमें जो आर है ना वो सी से कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना, मतलब डिवीजन में जाएगा वो। इसका ट्रिक ये है कि आर्क तो अपने आप में आर्क है, अभी जो आर है उसे डिवाइड भी कर दो। आर्क अपने आप में आर्क है और उसमें जो आर है उसे डिवाइड भी कर दो, ठीक है। तो कोण जो बनेगा थीटा, इसका ध्यान रखना, कुछ बच्चे मिस्टेक कर देते हैं समझाने के बाद भी, जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, नीट में बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, वो 30 डिग्री को डायरेक्ट 30 ही रख देते हैं, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि ये फॉर्मूला सिर्फ तब वैलिड है जब ये एंगल रेडियन में दिया होता है। इसका एक तुमको छोटा सा बात बताते हैं, दुनिया में जहां भी मैथ यूज होती है उसमें जहां भी सवाल लग रहा होता है, एंगल या तो रेडियन में होगा या तो डिग्री में होगा। लेकिन खुद से जब तुम लोग आगे जाके टीचर इंजीनियर कुछ भी बनो, तो बात समझना, जहां पर थीटा बाहर से यूज हो रहा होता है, मतलब अगर वो साइन के साथ यूज हुआ, टेन के साथ, कॉस के साथ, तब तो दिक्कत नहीं है, तब तुमको पता है कि साइन 30 की वैल्यू ये होती है। लेकिन अगर सिर्फ थीटा यूज हो रहा है कहीं पर, तो वो डिग्री में कभी यूज नहीं होता, ठीक। अगर कहीं भी, इसी चैप्टर में नहीं, कहीं भी तुमको सिर्फ थीटा यूज करना पड़ गया, तो वहां पे डिग्री में यूज नहीं होता, उसको हम एज ए नंबर यूज करते हैं। जैसे देखो ये आर्क एक नंबर है ना भाई मैथ का, रेडियस एक नंबर है, तो इसको भी नंबर यूज करता, तो रेडियन एक्चुअली एक नंबर होता है। अब रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसका तरीका देखो। देखो मान लो कि तुम्हारे पास कुछ डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, तो तुमको डिग्री को हटाना है,
और किस क्या लाना है, रेडियन लाना है। अब देखो 30 डिग्री, डिग्री हटाना है, तो डिग्री कब हटेगी, जब इसको डिग्री से डिवाइड करोगे, तो कितने डिग्री से डिवाइड करोगे, 180 से, सिंपल तरीका, ठीक। अब 180 से अगर तुम डिवाइड कर रहे हो तो भाई लाना किस में चाहते हो, रेडियन में, पाई, तो पाई ला दो, ठीक है। ये ही करोगे तुम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक। अब ये इससे कटेगा कितने बार में, 6 बार में आराम से आ जाएगा। हमको लगा हमको ज्यादा हिंदी बोल रहे हैं क्या, हम तो चाहते थे कि मतलब कंप्लीट क्लास इंग्लिश में लें, लेकिन ऐसा नहीं है, हिंदी में है तो ठीक है। बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम वाले बोर्ड से आएंगे ना, तो उनके लिए दिक्कत होने लगेगी, और अगर कहीं दिक्कत हो जाएगी तो फिर क्या मजा है, फिर तब जाके फिर इंग्लिश स्पोकन करके आओ, अलग ही हो जाएगा फिर वो सीन, तो 2 साल लोग इंग्लिश सीखने में। और एक बात तुम जान लो, जो लोग इंग्लिश स्पीकिंग एटमॉस्फेयर में रहते हैं वो ऑटोमेटिक इंग्लिश सीख जाते हैं, और जो लोग हिंदी स्पीकिंग एटमॉस्फेयर में रहते हैं, तुम कितना भी स्पोकन करके देख लो, तुम तभी तक इंग्लिश बोल पाओगे जब तक स्पोकन वाली क्लास में हो। स्पोकन क्लास छोड़ो, उसके बाद तुम इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। मान लो क्लास खत्म हो गई, बाहर आ गए, तो जो माहौल है माहौल है, 1 महीना 2 महीना बीत जाएगा ना, तो तुम ये भी भूल जाओगे कि तुम कभी इंग्लिश स्पोकन की क्लास में गए थे, सब हिंदी में चलता है। इंग्लिश सीखने का, अगर किसी को फ्रेंच सीखना है, जर्मन सीखना है, आसान तरीका है, थोड़ा बहुत सीख लो यूट्यूब वगैरह से, उसके बाद उस कंट्री में चले जाओ, जल्दी सीख लोगे। हम जब चेन्नई गए थे तो हम भी तुम लोग जैसे ही थे, बस फर्क इतना था कि मेरा टेंस अच्छा था, तुम्हारा भी अच्छा होगा। मेरा टेंस क्यों अच्छा था पता है, मेरे पापा ही टेंस पढ़ाते थे हमको, मेरा स्कूल था चंदौली में, हम लोग अपने स्कूल से पास आउट है ना, पापा टेंस पढ़ाते थे। वो टेंस ही नहीं, इंग्लिश का ग्रामर, हिंदी का ग्रामर, संस्कृत ग्रामर, तीनों ग्रामर पढ़ाते थे वो, इसलिए मेरा तीनों विषय ठीक ठाक था। और इंग्लिश इसलिए ठीक था क्योंकि वो उनको ठीक इतना पिटा चुके थे उनसे कि मेरी इंग्लिश ठीक हो गई। अब वहां जब चेन्नई गए ना, तो वहां पर इंग्लिश बोलने का माहौल मिल गया, अब वहां पर हिंदी में काम चलेगा नहीं, अब तमिल हमको आती नहीं है। तो शुरुआत के कुछ दिन ना, पता है कैसे करते थे हम, कोई सामान खरीदना होता था तो उसको मालूम इंग्लिश नहीं पता, तो जब हम कहते ना तो इंटरनेट का एक्सेस उतना नहीं था पर्सनल लेवल पे, फोन वो बटन वाला था, तो हम लोग क्या करते थे, फोटो वोटो कहीं से जुगाड़ करके रखते थे। अगर मान लो तुमको खुरपी, समझते हो खुरपी, अब खुरपी चाहिए, मान लो हथौड़ा चाहिए तुमको, अब तो पता है इसका हैमर होता है, इंग्लिश इसका हैमर होता है, लेकिन बहुत सडनली नहीं आता दिमाग में। चम्मच चाहिए अगर, तो स्पून होता है, तो चीजें जिसको याद उसको याद, जिसको नहीं याद उसको कैसे, तो फोटो लेके जाते थे हम लोग कि ये चाहिए, समझे। लेकिन बहुत जल्दी, हम जब बीटेक का मेरा पहला सेमेस्टर था ना, मेरा 2 सब्जेक्ट हम फेल हो गए थे इंग्लिश के चक्कर में। एक कंप्यूटर का होता है सब्जेक्ट, उसमें पूरा इंग्लिश लिखना पड़ता था, अब तुम इंग्लिश कहां से लिखोगे, और जो टेक्निकल सब्जेक्ट से वो पास हो गए क्योंकि सवाल लगाना था उसमें, खटाखट भर दिए, इसलिए 2 पेपर। अब उस पेपर को, लेकिन हमको फिर भी लग गया 3-4 महीने लग गया कंफर्टेबल होने में, नया जगह नया सब कुछ, इंग्लिश का मेन प्रॉब्लम। लेकिन वो प्रॉब्लम एक्चुअली मेरे लिए वरदान साबित हुई, मतलब अब तो इंग्लिश ऐसी आती है पूछो मत, बढ़िया इंग्लिश आती है। तो और दूसरी बात यहाँ पे कि यहाँ पे भी हम पता किए, वहाँ पे जो बच्चे दूसरे दूसरी जगह से आते हैं वो भी यही बोलते हैं कि भैया हम दिल्ली से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, यहाँ से वहाँ से, CBSE में पढ़े हैं, लेकिन फिर भी इंग्लिश वहाँ नहीं बोली जाती, इंग्लिश CBSE स्कूल में बोली नहीं जाती ज़्यादातर, ठीक है। और ऐसा नहीं है, हम तमिलनाडु के भी जिस कोचिंग में पढ़ाए हैं वहाँ पर हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि जब टीचर को सडनली कुछ बोलना होता है, किसी बच्चे को एक्सप्लेन करना होता है, वो फटाक से तमिल में बोल के एक्सप्लेन कर देगा। और अक्सर करके मेरे पास रिक्वायरमेंट आती थी कि सर कोई टीचर भेजिए जो मेरे CBSE बोर्ड के बच्चे को तमिल में समझा सके। तो ऐसा होता है, कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमको अपना भाषा ज्यादा बेटर होता है ना, वो समझ में आता है। चलो यहां से आर्क बाय रेडियस से हमारा आर्क निकल जाएगा, ये जो आर्क का लेंथ निकलेगा वहां पे ध्यान रखना है कि ये पाई बाय 6 है। अब देखो, या तो तुम अपना पूरा आंसर पाई के टर्म में लेके चलो तो फाइनल आंसर भी पाई के टर्म में आएगा, या फिर तुम पाई को उसके वैल्यू से रिप्लेस कर दो। पाई को पाई के वैल्यू से रिप्लेस करने का तरीका है 3.14। अब देखो हम बता रहे हैं, अगर तुम इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में लगा रहे हो, अपने 11th एग्जाम में लगा रहे हो, तब तुम पाई की वैल्यू को 22/7 लेके चलना, और अगर IIT नीट एग्जाम में लगा रहे हो तो तुम पाई वाले आंसर को 3.14 मत लिखना,
तुमको चाहिए फास्ट, तुम तीन लिखना, तीन। इससे फायदा क्या होगा? हाँ तीन, इससे फायदा क्या होगा? देखो बता रहे हैं, 3.14 लिखना, इससे फायदा क्या होगा? सिर्फ तीन लिखो तो 3/6 है, यहां पे फट से 2 आ जाएगा। तो मतलब तुम्हारा जो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन 1, 2, 3, 4, उसमें तुम सबसे पास का आंसर टिक कर देना, ठीक है? अगर मान लो एक आंसर है 10, एक आंसर है 50, तो तुम्हारा आंसर या ये इसके आसपास आएगा या इसके आसपास आएगा। इसका आंसर बहुत ज्यादा ज्यादा होता है, 51 आएगा या 49 आएगा, ठीक है? ये फास्ट होने का तरीका होता है। तो एवरी डे क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे। तुम लोगों को टेस्ट सीरीज देनी होगी, ठीक है? सब कुछ एकदम रेडी, टेस्ट सीरीज दो, फास्ट स्पीड चेक करो क्लास में कितनी फास्ट हो रहा है, टेस्ट सीरीज में कितना फास्ट हो रहा है, ठीक है? फटाफट इस क्वेश्चन को पूरा नहीं करवा रहे, क्योंकि तुम समझे कैसे करना है। आर्क निकालोगे और तुम लोग आपस में सारे आंसर चेक कराओगे। अगर आंसर सही आ गया तो वेरी गुड, नहीं सही आया तो हम डिस्कस करेंगे। प्रोसेस बता रहे हैं, पहला स्टेप 1, ये आर्क निकालो। आर्क कैसे निकलेगा? आर्क निकल तो क्या, ठीक है, इसकी वैल्यू डाल देना, आर्क निकल जाएगा। लेकिन अभी आर्क पूरा निकला नहीं है, अभी तो ये सिर्फ, सॉरी, ये सिर्फ रेडियन में बना है, अभी तो रेडियन बना है। ये एंगल है, तुमको निकालना है आर्क, एंगल यहां पे है, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, इससे मल्टीप्लाई करना होगा तब जाके हमारा आर्क निकलेगा। तो जो आ रहा था आंसर, ये जो आंसर तुम्हारा आ रहा था 1/2, हम 1/2 लेके चल रहे हैं, 3.14 लेके नहीं चल रहे हैं। हम मान रहे हैं इसका आंसर है 3, 3 को 6 से डिवाइड किए, या 1/2, ठीक है? अब उसमें तुम किससे मल्टीप्लाई करो? रेडियस से। तो आर्क आ जाएगा, आर्क आ गया, तो यही चाहिए था हमको आर्क निकालना, ठीक है? यहां पर 5 निकालना इसलिए जरूरी है क्योंकि तुम लोगों को ना ए से बी तक जाना है, फिर बी से सी जाना था, इसीलिए आर्क निकालना था। आर्क निकल गया, ऐड कर दोगे, किस में ऐड करोगे? पाई आर में ऐड करोगे। अब एक चीज और, अगर ये क्वेश्चन तुम्हारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है तो तुम इस क्वेश्चन को ऐसे लगाओ कि यहां से यहां तक का तुम करो पाई आर, ठीक है? आर की वैल्यू तुरंत पुट मत करना, पाई को तुरंत पुट मत करना, ये वाला लास्ट में किया जाएगा। कैसे करना? उसके बाद तुम इसमें क्या ऐड करोगे? यहां पर तुम्हारा क्या आ रहा था? 1/2 आर, राइट? 1/2 आर आ रहा था, डाउट हो रहा है? देखो 1/2 आ रहा था, इसको आर से डिवाइड करना, सॉरी आई सेड रॉन्ग, इनटू करना था, तो आर आ रहा था, तो ये आर बाई टू। तो अब पहले इसको यहां पे आर बाई टू ऐड कर दो, ठीक? अब इसको पहले तुम आर के टर्म में एक स्टेप और ले जाओ, ऐड कर दो इसको, तब जाकर के तुम उसमें लास्ट में आर पुट करना। क्योंकि अगर शुरू से ही नंबर नंबर लिखोगे ना तो काफी कैलकुलेशन बढ़ जाता है, यही ट्रिक होता है फिजिक्स के क्वेश्चंस को फास्ट करने का। तुम कई सारे स्टेप वेरिएबल के फॉर्म में लिखो, वी वी स्क्वायर समथिंग 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 समथिंग, लास्ट में जब तुमको एक बड़ा सा मिल जाए तब वैल्यू डाल के आंसर ले आओ। इससे फास्ट होता है और इससे एक चीज अच्छी हो जाती है कि ऑन द वे, रास्ते में जो मिस्टेक होता वो नहीं होगा। मतलब देखो, आर को 2 से डिवाइड करके अगर ऐसे रखो तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगा, आगे चलते चले जाओ। लेकिन अगर मान लो यहां पे तुम रखे हो 56.2, अब इसको तुम सॉल्व कर रहे हो, मिस्टेक होने के चांस रहेंगे। और दूसरा चीज क्या होगा, स्पीड अपने आप कम हो जाएगी, इस चीज को अवॉइड करना है। ये चीज तुम उसमें भी करोगे, अपने 11th के एग्जाम में भी करोगे, ठीक है? स्पीड बहुत तेज हो जाती है। और 11th के एग्जाम में टॉप करने का सिर्फ एक तरीका है, 11th के एग्जाम में वो लड़का टॉप करेगा, वो स्टूडेंट, लड़की भी टॉप करेगी, वो स्टूडेंट टॉप करेगा जो स्टूडेंट फॉर्मूला और ग्राफ और डायग्राम तगड़ा एक नंबर हो। आप थ्योरी क्या लिखते हैं वो कम मैटर करता है, आप डायग्राम बना दीजिए उस चीज से संबंधित, एक ग्राफ बना दीजिए और एक फॉर्मूला चिपका दीजिए, उसके बाद कुछ भी लिख दीजिए, मतलब रिलेटेड चीज डाल दीजिए, काम हो जाएगा। तो अब देखो इसमें डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, मेन ये क्वेश्चन उसके लिए है। यहां से आ जाओ, यहां से कनेक्ट करो, ऐसे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। हम ए पर थे, सी पर गए। अब देखो फिर से गेम यहां पे होने वाला है कि कैसे निकलेगा। इस क्वेश्चन को पिछले क्वेश्चन की तरह सोच के थोड़ा बहुत जरा देखो कुछ हो पा रहा है। हमको यहां से यहां निकालना है, जरा सोचो कुछ हो पा रहा है। तो
तुम जा सही रहे हो, वो ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट लगा रहे हो ना, सेंटर से एंगल ले रहे हो, ठीक है, वेरी गुड, अच्छा ट्राई कर रहे हो। आसान तरीके में थोड़ा सा जाओ, तुम ये बताओ हम क्या बेटा, अच्छा तुम ये कह रही हो कि पूरा ये है, ऐसा कुछ कह रही हो, टू पाई आर, अच्छा ओके, पाई आर में से आर माइनस कर रही हो, आर को वाला माइनस कर रही हो, तो ये बचा, तो ये तो नहीं चाहिए हमको, हमको तो यहां से यहां तक का चाहिए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है यार, बहुत इजी क्वेश्चन है, विजन देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक्चुअली तुम लोगों का ना हमको ये समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन लगाने का प्रैक्टिस थोड़ा आपका है नहीं, कम है, आप लोग दिन भर में मतलब 8-10 क्वेश्चन ही लगाते हैं ऐसा देख के लग रहा है। देखो बेटा तरीका, तरीका बताओ, हाँ हाँ 20, वेरी गुड बेटा, डायमीटर तो जो वो होता है ना जो सेंटर से जाता है इसी, वेरी गुड वेरी गुड। देखो सोचना शुरू करो ना, यही तो अच्छी बात है, सोचना शुरू कर रही हो तुम, सोचना शुरू कर रहे हो, यही चाहिए। एंगल ये 30 है बेटा, कौन सा बेटा, ए से, अच्छा चलो इसको ओ कर देते हैं, अच्छा तुम ये कह रही हो 25 हो जाएगा, कैसे श्योर हो, ठीक है खींचे से कोई फायदा, चलो मान लो स्टेप वन तुम सोच ली, उसके बाद का फायदा देखो, ठीक है उसके बाद का फायदा देखो, चलो मान लो तुम कह रहे हो कि यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दिए, इससे हम कौन सा तीर मारे, अच्छा तुम कह रहे हो ये साइड मिलेगा, चलो ठीक है ये साइड मिल गया, थोड़ा आप सहयोग कीजिए, 20 फाइनल आंसर बता रही हो, ऐसे करे तो ओके, देखो हम बताते हैं ये इसको सॉल्व कैसे करना है, तुम लोग काफी ज्यादा सोच रहे हो और आसान वाली चीज नहीं सोच रहे हो, नहीं सोच रहे हो अच्छी बात है, तुम लोग आईआईटी मेंस नहीं आईआईटी एडवांस के लायक हो। देखो क्या करना है यार, अभी तो आज पहला दिन है, हम इतना प्रेशर डाल रहे हैं, तुम सोचो एवरीडे हम लोग टफ टफ क्वेश्चंस करेंगे कितने आगे निकल जाएंगे, ये छोटे मोटे चूजे टाइप क्वेश्चन नहीं करना है कि दे दिया डिस्टेंस ऐसे से घुमा दिया निकालो ऐड कर दो निकल जाएगा, ये क्वेश्चंस करने हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस करने हैं। देखो करना क्या है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये लेंथ निकल जाएगी, ये कैसे निकलेगी, हाँ बेटा तो 10 तो ये पूरा दिया हुआ है ना, यहां से ये सर्कल तक का ना 10 हुआ, परपेंडिकुलर यहां तो गिर नहीं रहा ना, ये तो यहां गिर रहा है, यहां पे गैप है थोड़ा सा, हाँ 30 एंगल दिया है, उससे क्या होगा, ये 90 बना। अच्छा एक चीज तुम लोग ध्यान रखना, ये दोनों पॉइंट सेम नहीं है, सेम नहीं है दोनों पॉइंट, तो तुम लोग ये मत समझना कि मतलब चलो घुसा दो 10 कर दो इसको, हाँ तुम क्या बोल रहे थे, कॉस 30 कौन सा, ये वाला, चलो इसका नाम दे देते हैं P और Q, ये वाला पॉइंट Q, तो वो हाइपोटेनस की वैल्यू पता होनी चाहिए ना, पता है क्या हाइपोटेनस की वैल्यू, हाँ कैसे, रेडियस है ना वो? कौन सा,
तुम किसकी बात कर रही हो? अरे वाह बेटा, यही तो इसमें ट्रिक था, यही इसमें ट्रिक था। ये जो पी है, पी से सी तक रेडियस है ना, तब क्या ये भी टेन है, ये भी टेन है, अपने मन का एकदम टंटनाटन टेंट करो, ये सब टेन ही तो है। अब ये यहां से यहां तक टेन है, ये थर्टी है, हो गया काम, ये हो गया हमारा टेन कॉस थर्टी, और ये वाला हो गया टेन साइन थर्टी, आनंद हो गया। अब ये तुम्हारा कितना है, टेन, तो टेन और प्लस टेन कॉस थर्टी, ये लेंथ आ गई, ये लेंथ आ गई, लगा दो ना, क्या लगाओगे, पाइथागोरस। इस बार आईआईटी जेईई और नीट की लगा देंगे, समझे, इस क्लास में सब जाएगा। अब देखो, हर बच्चा जो 11 12th में है उसको आईआईटी जेईई नीट की तैयारी करनी चाहिए, करो, अभी फीस की प्रॉब्लम नहीं है ना, अभी तुमको उसी व्यवस्था में सब कुछ मिल जा रहा है, करो, दबा के करो, मेहनत मेरे साथ करो, हम करवा रहे हैं। तुम बताओ कहां पे दिक्कत हुई तुमको? अच्छा, लेकिन समझ में आ रहा है, तो वेरी गुड। इस क्वेश्चन में जब तुम लोग सॉल्व करोगे ना, अपने से वापस से रिवाइज करना वीडियो में देख करके, ठीक है, खुद से रिवाइज करना, तो रिवीजन भी हो जाएगा। अब चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक, एक और क्वेश्चन करते हैं। इसको समझ में आया पूरा? थोड़ा सा दिमाग काम करना लगा, प्रेशर आ रहा है दिमाग पे, प्रेशर पड़ना चाहिए, प्रेशर नहीं पड़ेगा तो फिर दिमाग ग्रो नहीं करेगा। वो बताया था ना, जिम करने के लिए प्रेशर पड़ना चाहिए तभी ग्रो करेगा बाइसेप। देखो, हम बता रहे हैं, पिछले 10 साल से हम बाइसेप बनाने की सोच रहे हैं, ठीक है, छोटू बना लिया, हम नहीं बना पाया अभी क्योंकि प्रेशर देना पड़ता है ना, वो लोहा जो रॉड होता है, जो भी होता है, 10 किलो 20 किलो उठाना पड़ता है, उठाओगे तब ना, मेरे पास टाइम भी है, मेरे पास मोटिवेशन भी है जिम जाने का, और हमको चाहिए भी, बाइसेप बन जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, लेकिन नहीं बना पा रहे हैं। अब बताओ हम क्यों नहीं बना पा रहे बाइसेप? मन भी है, पैसा भी है, कोई भी जिम ज्वाइन कर सकते हैं, 20,000 25,000 30,000 100,000, लेकिन मन नहीं है, मतलब मन भी है, चाहते हैं बाइसेप, आलसी नहीं है, मारेंगे तुमको नहीं यार, आप देखो ये गड़बड़ चीज है, मतलब हम ये कह रहे हैं कि हम चाहते तो हैं। यही चीज होता है उन बच्चों के साथ जो आईआईटी में नहीं जा पाते, वो एक्चुअली क्या करते हैं ना, मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन आईआईटी में अगर तुम नहीं गए तो दुखी होने की बात नहीं है, क्योंकि तुम इतना सीख चुके होगे ना, तुम उसी में खुश रहोगे। एक बच्चा जो मात्र 11th की तैयारी करता है वो उतना नहीं जानता, लेकिन जो बच्चा 11th में आईआईटी जेईई की तैयारी करता है, नीट की तैयारी करता है, उसका फिजिक्स मैथ इतना बढ़िया हो जाता है, केमिस्ट्री इंक्लूडिंग, कि वो उसके आगे जो भी एग्जाम की तैयारी करेगा ना फ्यूचर में। कुछ बच्चे होगा जिनका आईआईटी में नहीं हो पाता, वो कुछ और तैयारियों में लग जाते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कुछ में भी लग जाओ, वो सारी तैयारियां ईजी हो जाएंगी। जानते हो क्यों? क्योंकि इन दो सालों में 11th में 12th में तुम हार्डवर्क करना सीख जाते हो, और जो गाड़ी एक बार चल दी वो किसी रास्ते पर चल देगी। चलो अब आगे देखते हैं, ये तो हो गया, हम सॉल्यूशन नहीं लिख रहे, समझ में आ जाएगा ना, ठीक है। लेकिन तुम लोग पूरा सॉल्व करके प्रॉपर तरीके से सॉल्व करोगे, ठीक है, आज रात में अपलोड कर देंगे, आज रात में अपलोड कर देंगे, ठीक है। मतलब हम जैसे ही जाएंगे ना क्लास के बाद, अपलोड पे लगा देंगे, अपलोड हो जाएगा। चलो अब ये क्वेश्चन करते हैं, अब ऐसा करते हैं, बाकी इसी तरह के क्वेश्चंस तुम लोग अपने से करना, शीट में हम दे देंगे। अब हम लोग टॉपिक चेंज करते हैं, डिस्टेंस निकालना बड़ी बात नहीं है, डिस्प्लेसमेंट निकालना बड़ी बात नहीं है, अब आते हैं फिजिक्स के कुछ टॉपिक पे, जिसको हम लोग कहते हैं स्पीड और वेलोसिटी। अब इसको समझते हैं, स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होती है। तो स्पीड में और वेलोसिटी में जो पहला डिफरेंस है वो ये है कि स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस है, उससे ही पहले एक डिफरेंस है। स्पीड की स्पेलिंग एसपीडब्ल्यूडी होती है तो चलो हम लोग अब बात करेंगे कि स्पीड क्या होता है। तुम लोग सुने होंगे एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज को औसत, औसत कहते हैं, औसत गति, औसत स्पीड को हिंदी में क्या कहते हैं, वेग, कुछ कहते हैं, स्पीड समझ में आ जाएगा ना, इससे भी हिंदी में आए क्या नहीं आ, हमको इससे थोड़ा दिक्कत होगी अच्छा चलो ठीक है, तो हम लोग स्पीड और वेलोसिटी पे बात करेंगे। स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है,
मतलब गाड़ी चल रही है कितने स्पीड से चल रही है, पूछ देंगे तुम बताओगे सर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हैं। लेकिन अगर हम ये पूछ दिए कि गाड़ी चल रही है किस दिशा में चल रही है, तब हो जाएगा पूरा इंफॉर्मेशन अगर बताओगे, बोलोगे सर 30 मीटर पर सेकंड चल रहे हैं और पूरब में चल रहे हैं, तो पूरा डेटा 30 और पूरब, इस पूरे को हम बोलेंगे वेलोसिटी, कि तुम वेलोसिटी बता दिए। अगर तुम ये बोले कि सर 30 से चल रहे हैं तो तुम वेलोसिटी नहीं बताए, तुम क्या बताए, स्पीड बताए। स्पीड जो होता है एक्चुअली वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है, मान होता है। इसका ये मतलब हुआ कि जो वेलोसिटी होती है ना, हम वी ई एल लिख रहे हैं, तुम वी लिख देना, वो स्पीड और डायरेक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। जब दोनों पता रहेगा तभी तुम बोलोगे कि स्पीड है अपने पास, सॉरी वेलोसिटी है अपने पास। अगर कोई भी एक चीज बदलेगी, ध्यान रखना, कोई भी एक चीज बदलेगी तो कौन बदलेगा, और अगर दोनों बदलेंगे तो भी बदलेगा। वेरी गुड, अब सुनो मेरी बात। जब स्पीड बदल रही होती है और डायरेक्शन कांस्टेंट होता है, तो अगर डायरेक्शन कांस्टेंट हो गया इसका क्या मतलब है भाई? हाँ देखो, वैसे तो तुम लोग छोटे बच्चे हो, 11th के बच्चे हो, लेकिन इतनी कॉमेडी चल सकती है। बात यह है कि जो प्यार होता है ना, जो लड़के लड़कियां प्यार कर लेते हैं क्लासरूम में, स्कूल में, बर्बाद जिंदगी, उसमें उनका डायरेक्शन कांस्टेंट हो जाता है। एक ही के पीछे पड़े रहते हैं, ठीक है, बेचारा लड़का बैठा हुआ है, एक ही पीछे पड़ा रहेगा, वही डायरेक्शन है, ठीक है, स्पीड ऊपर नीचे होता रहेगा उसका। किसी दिन आएगा तो आज कम प्यार है, कभी ज्यादा प्यार है, डायरेक्शन कांस्टेंट है, डायरेक्शन कांस्टेंट बेटा, अभी डायरेक्शन है ही नहीं है उसका, अभी है ही नहीं है, डायरेक्शन कांस्टेंट है। मतलब पुराने टाइम में जब लोग फिजिक्स नहीं जानते थे तो लोग अच्छे वर्ड्स का यूज नहीं करते थे किसी को बताने में कि, अब अच्छे वर्ड्स का यूज करो। अब तुम लोग फिजिक्स जानते हो तो तुम बोलो वो मेरी डायरेक्शन है, ऐसे बोलो वो मेरा डायरेक्शन है। अब देखो स्पीड अपना चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, इस तरह की कंडीशन को हम बोलेंगे कि आपका मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, आपका मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, लूज मोशन नहीं, मोशन आपकी गति स्ट्रेट लाइन में हो रही है। अगर मोशन स्ट्रेट लाइन है और स्पीड बदल रहा है तो वहां पर हम यूज करने वाले हैं तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन, थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन, गति के तीन समीकरण। क्या हिंदी निकल रहा है मेरे अंदर से, गति के तीन समीकरण। देखो पहला v इज इक्वल टू u प्लस at होगा, दूसरा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होगा, तीसरा प्लस 2as। 11th के बच्चे जो बोर्ड एग्जाम अपना स्कूल एग्जाम दे रहे होंगे, आईआईटी नीट वालों को दिक्कत ही नहीं है, उनमें प्रूविंग नहीं पूछी जाती। आप में अगर प्रूविंग पूछा गया इस इक्वेशन का, तो प्रूविंग कैसे की जाती है आप उसको समझिए। कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है हमसे पूछिए कि सर ये प्रूविंग नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, बहुत इजी प्रूविंग होता है, आपको उसके लिए विद्यार्थी बन के बैठिए, प्रूविंग को समझिए। हम चाहते हैं आप इनपुट दें, यहाँ पे हम प्रूविंग करा देंगे, मजा खराब हो जाएगा। आप उसमें जानते हैं क्या सीखेंगे, ज्योमेट्री सीखेंगे, जब खुद से प्रूविंग सीखेंगे तो ज्योमेट्री सीखेंगे, यहां से यहां, यहां से यहां, ठीक है। इन तीनों इक्वेशन का प्रूविंग, इन तीनों इक्वेशन का प्रूविंग आप लोग अपने से करके लाएंगे कल, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग का हम रफ चेक करेंगे कि क्या क्या चीजें नहीं समझ में आ रही हैं। मतलब ऐसे नहीं आना कि उठ के चले आना है। अब आज के बाद ऐसा नहीं है कि गए शाम को तो दो लोगों के साथ बैठ गए, पेरेंट्स से टाइम पास कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जब जाएंगे आपको शीट मिल जाएगी, वो शीट आपको सॉल्व करना है, ठीक है। हाँ तो 11th में जैसे 9th में सिखाया गया था, एक बार हल्का सा तुम देखोगे प्रूफ होता कैसे है तो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज और, जिन बच्चों के स्कूल में प्रूविंग का कॉन्सेप्ट नहीं है कि प्रूविंग नहीं करना, वो बच्चे नहीं करेंगे। जिन बच्चों के स्कूल में प्रूविंग कराई जाती है वही बच्चे करेंगे। अगर आपके स्कूल में कराया गया है तो फिर आप प्रूविंग नहीं करेंगे, ओके। अगर नहीं कराया गया है तो नहीं करेंगे प्रूविंग, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, तो चलो बच गए तुम लोग, तब पता चलेगा, ओके। तो वो काम स्कूल में कर लेंगे, वहां से नहीं समझ में आया तो हमसे मिलना कि सर ये स्टेप नहीं समझ में आ रहा। हम लोग टाइम सेव करेंगे ना अपना, हम लोग बढ़ने जैसे ही क्या प्रूविंग सीखना है, ठीक है। चलो अब देखो, अगर मान लो कहीं कहीं ऐसा होता है, इसमें सब कुछ पता है ना, वी क्या है ये क्या है, जो बच्चे वीडियो में समझेंगे उनके लिए हम बता रहे हैं ये क्या होता है। ये जो वी होता है वो फाइनल वेलोसिटी होती है,
अब ये फाइनल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ए फॉर एक्सेलरेशन, टी फॉर टाइम, ये सब हम लोग समझेंगे वन बाय वन, आराम से जाएंगे, आराम आराम से जाएंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक सिचुएशन, डायरेक्शन को कांस्टेंट कर दिए तो ये सवाल लगाने के लिए ये हेल्पफुल होता है। अगर आप स्पीड को कांस्टेंट कर दिए, कांस्टेंट कर दिए लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में पता है कौन हेल्प करता है आपकी, ये हेल्प नहीं करते आपकी, क्योंकि स्पीड तो सेम रहेगा ना, मेरी बात को समझना, ये कांस्टेंट कर दिए डायरेक्शन चेंज हो रहा है, अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो ओवरऑल वैल्यू चेंज हो जाएगी ना, मतलब कौन चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी। अब कैसे निकालेंगे भाई, कौन हेल्प करेगा तुम्हारी, वेलोसिटी चेंज हो रही है, ये गेम भी वेलोसिटी चेंज के लिए ही था, ये सिर्फ और सिर्फ तब यूज कर सकते हो जब डायरेक्शन कांस्टेंट होगा, अगर उल्टा हो गया तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, देखो आपकी हेल्प डायरेक्शन से रिलेटेड कौन सा चैप्टर होता है, वेक्टर, वेक्टर होता है, तो यहां पे आपकी हेल्प करेगा वेक्टर, कैसे हेल्प करेगा, डायरेक्शन को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले वेक्टर कैसे काम करता है उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। जब आपकी एक्स दिशा होगी, एक्स डायरेक्शन में आपकी दिशा होगी, तो वहां पर हम यूनिट वेक्टर आई यूज करते हैं, ये सब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको सिंपल कर लेते हैं, देखो वेरी गुड, एक होता है वेक्टर, एक होता है स्केलर, इसके अलावा एक होता है टेंसर, आगे पढ़ाएंगे, फ्लूड मैकेनिक्स जब पढ़ाएंगे ना तो उसमें टेंसर पढ़ाएंगे। देखो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, इसका सिर्फ मान होता है, तुम दुनिया में किसी भी स्केलर क्वांटिटी को अपनी आवश्यकता अनुसार वेक्टर बना सकते हो, अगर तुम उसमें एक खास दिशा का यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दो, तो जो नया आंसर बनेगा वो उस दिशा में वेक्टर बन जाएगा फला फला मैग्नीट्यूड के साथ। मान लो तुमको कोई अंक दिए 50, तो उस 50 में तुम मल्टीप्लाई कर दिए आई से, तुम जे से, तुम के से, तो तुम्हारे लिए एक नया वेक्टर बन गया 50i, मतलब वो एक वेक्टर है जिसकी लंबाई कितनी है 50, दिशा क्या है x, ऐसे करके तीनों वेक्टर बन गए अलग अलग दिशा में 50 50 50 के। तो हम लोग वेक्टर के हेल्प से, अब देखो यहां पे हम एक नाम ले रहे हैं यूनिट वेक्टर, ये क्या होता है, ये वही होता है मैग्नीट्यूड वन होता है। मैग्नीट्यूड वन होने का फायदा क्या होता है कि वो आपके मैग्नीट्यूड को डिस्टर्ब नहीं करता मल्टीप्लाई जब करेंगे तो। अगर आई है आई, आई आई के पास मैग्नीट्यूड वन है, उसको हम 50 से मल्टीप्लाई किए तो 50 तो नहीं बदला लेकिन पूरा आंसर बदल गया, 50i मैग्नीट्यूड वन होता है। अब सुनो मेरी बात, कई बार अभी आगे पढ़ोगे फ्लूइड मैकेनिक्स से पढ़ोगे सब, कि कई बार तो हम लोग एक्स वाई जेड से काम चला लेते हैं क्योंकि सवाल ही वैसा रहता है, सवाल जो लिखे होते हैं किताब में वो एक्स वाई जेड पे लिखे होते हैं, लेकिन मास्टर बनने का मतलब ये है कि दिशा कुछ भी हो हर दिशा का अपना अपना एक खास यूनिट वेक्टर होगा, तो उसके लिए कुछ सिंबल्स होते हैं। अगर मान लो कि आप आई जे के यूज नहीं कर रहे हैं, आई जे के फिक्स होता है, आई जे के हम तब यूज करेंगे जब एक्स वाई जेड आएगा, तुम एक्स के लिए जे यूज नहीं कर सकते, वो परमानेंट है आई जे के, लेकिन अगर कोई और दिशा हो गई उसके लिए तुम कुछ खास सिंबल्स हैं, कोई टीचर एन कैप यूज कर देगा, ठीक है, कोई टीचर कुछ और यूज कर देगा, कुछ लोग एस कैप यूज कर देंगे, डिफरेंट टीचर्स यूज कर सकते हैं। तो ये तो सवाल पे डिपेंड करेगा कि वो क्या यूज कर रहे हैं, कोई ए कैप यूज कर देगा, कोई कैपिटल ए कैप यूज कर देगा, कैप, ये सब जो यूनिट वेक्टर है इन सबका वो एक ही होता है, इसका नाम ही है यूनिट वेक्टर, यूनिट मतलब वन। चलो डायरेक्शन हेल्प करेगा, कैसे हेल्प करेगा, देखो इसका एक एग्जांपल देखते हैं ताकि तुम समझ जाओ कि कैसे हेल्प करता है। ये तो कई सारे बार किए होगे तुम लोग इस तरह के क्वेश्चंस, नाइन्थ में किए होगे, लेकिन नाइन्थ में वो वाले क्वेश्चन नहीं किए होगे। तो अच्छा तुम बताओ एक ऐसा एग्जांपल हमारे डेली लाइफ में जहां पर स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन बदल रहा है। वेरी गुड, कौन सी चीज है, अरे ऊपर है तुम्हारे, इस समय कितने में चल रहा है पंखा, जितने भी चल रहा हो मतलब कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है, स्पीड कांस्टेंट है,
डायरेक्शन बदल रहा है ब्लेड का, तो सवाल पंखा के ऊपर नहीं बनेगा, सवाल बनेगा ब्लेड के ऊपर, ब्लेड सवाल पंखा के ऊपर नहीं ना बनेगा भाई। रिकॉर्डिंग हो रही है कि बंद हो गई है? सुंदर दिख रहा है मुझे ना फर्स्ट क्लास, इधर आ जाए भाई, ये फ्रेम बता दिया करो हमको। फ्रेम में रहना जरूरी है। तो देखो जो पंखा है, पंखे की स्पीड देखो, स्पीड कांस्टेंट है, पंखे के ऊपर सवाल नहीं बनेगा, सवाल उसके ऊपर बनेगा ना जो दिशा चेंज कर रहा है, ठीक है? ये दिशाहीन है पंखा, किसी भी दिशा में जा रहा है, वन डायमेंशन नहीं है ये। अभी डायमेंशन समझो, डायमेंशन क्या होता है देखो, मान लो एक रस्सी, डायमेंशन और डायरेक्शन में अंतर होता है। क्या अंतर होता है यहां समझाते हैं, डायमेंशन और डायरेक्शन का अंतर समझो। ये है रस्सी, इमेजिन कर लो, और उसके ऊपर तुम कोई चींटी को बैठा दो, चींटी, रस्सी वो यूज करना एकदम पतली वाली जो हम लोग कल यूज किए थे बैलून बांधने के लिए, चींटी, उस पर चींटी बैठा दो, चींटी जा रहा है, जा रही है, तो अब चींटी जा रही है तो इस दिशा में जाएगी, तो दिशा ये हो गई। अगर मान लो चींटी को उठा के उल्टा रख दो, अब इधर जाएगी, दिशा ये हो गई, लेकिन डायमेंशन एक ही है, दिशा दो हो गई यहां पे, एक इधर एक इधर, लेफ्ट राइट, लेकिन डायमेंशन एक ही है। डायमेंशन क्यों एक ही है? हाँ, पाथ की बात नहीं है, बात ऐसा है कि इसको तुम अगर एक्स मानते हो तो एक्स एक डायमेंशन है। ये चीटी जब चल रही है तो वो सिर्फ लेंथ कवर कर रही है, लेंथ, एक दिशा में लेंथ कवर कर रही है। या एक्स पे करो, या इस रस्सी को ऐसे वाई पे कर दो, या इस रस्सी को ऐसे जेड पे कर दो, तो एक डायमेंशन, दो डायमेंशन, तीन डायमेंशन। अगर इस रस्सी को तुम ऐसे फ्लैट रखो, हॉरिजॉन्टल, एक्स भी कवर हो जाए, वाई भी कवर हो जाए, तो यहां पे दो डायमेंशन हो गया। तो अब जो चींटी चलेगी उसके लिए दिशा भी दो है और डायमेंशन भी दो है। अब इस रस्सी को उठा के ऐसे तिरछा कर दो, थोड़ा तिरछा, तीन डायमेंशन हो गया, एक्स भी, वाई भी, जेड भी। तो जब चींटी चलेगी तो एक्स पर भी आएगी कुछ कुछ, वाई पर भी आएगी कुछ कुछ, जेड पर भी आएगी कुछ कुछ। तो ये डायमेंशन डायरेक्शन क्लियर हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन लेते हैं पंखे के ऊपर। पंखा हम रखते हैं ऐसे, सॉरी, ये पंखे का बीच वाला, ठीक है? अगर तुम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे होते तो हम बताते कि पंखा आजकल जो मार्केट में है वो दो तरह का होता है, बता तो वैसे भी रहे हैं। एक जो नॉर्मल पंखा होता है जो मोटर पे काम करता है, ठीक है, एक जो होता है वो BLDC मोटर पे काम करता है। ये जो पंखा काम कर रहा है इसमें कौन सा फंक्शन यूज हो रहा है, और आजकल एक पंखा आ रहा है वो इन्वर्टर के लिए यूज होता है, ठीक है? दोनों अलग अलग पंखे पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिकल में, 12th में जब तुम लोग आओगे तब वहां मजा आएगा पढ़ने में। यहां पे देखो हम लोगों के पास तीन ब्लेड है, ये तीन ब्लेड है, चार ब्लेड का है, तीन ब्लेड है, ठीक है? अब यहां पर तुम लोगों को फ्लूइड मैकेनिक्स में हम ये भी पढ़ाएंगे कि इस पंखे से कितनी हवा नीचे आ रही है, उसका वॉल्यूम समझाएंगे। नीट में, ITJEE में मस्त मस्त क्वेश्चन बनते हैं, सब कराएंगे। यहां पे एक पार्टिकल को बैठा दो, ठीक है? अब ये पार्टिकल मान लो कि ये ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है। अब यहां से लेकर के ऐसे इसके ऊपर जाओ, ठीक है? अब अगर क्वेश्चन हमको बनाना है इजी, तो हम क्वेश्चन क्या बनाएंगे? सबसे पहली बात, इसमें क्वेश्चन स्पीड पर नहीं बनेगा, वेलोसिटी पर बनेगा सीधे, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, स्पीड तो कांस्टेंट ही है। तो मान लेते हैं कि हमारी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। अब यहां पे कंफ्यूजन है, कौन सी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है? ये स्पीड जब ये पार्ट, ये पार्टिकल जब इस पे चलेगा ना आर्क, तो कितना दूरी का आर्क ये तय कर रहा है? जब ये पूरा रस्सी, मान लो ये एक रस्सी है, इसको यहां से पकड़ो और इसको खींच के लंबा कर दो, ये इस पर चल रहा है, वो है 10 मीटर पर सेकंड। मतलब कि ये जो घूम रहा है ना, अगर वो सीधा चलता तो 10 मीटर चलता एक सेकंड में, तो वो इस पर भी कितना चलेगा? 10 मीटर चलेगा। वो रस्सिया जो है ना उसकी लंबाई है। ऐसे भले तुमको 10 ना समझ में आए, इसको खोलोगे तब तो 10 दिख जाएगा, ठीक है? ये 10 मीटर पर सेकंड है। इस पे हम क्वेश्चन क्या बनाने वाले हैं, टफ, ऐसे बनाएंगे। देखो ये यहां से जब यहां आएगा इधर, तो देखो तुमको पता होगा एक वर्ड होता है टेंजेंट,
सर्कुलर मोशन में जब कोई मोशन हो रहा होता है तो उसकी दिशा कैसे ज्ञात की जाती है, टेंजेंट यूज करके। टेंजेंट, अब यहां पर एक्चुअली एक सर्कल है, मोशन ऐसे हो रहा है, हम जानना चाहते हैं कि इस पॉइंट पर दिशा क्या थी, तो तुम यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, वो टेंजेंट ऐसे टच करके निकल जाएगा इसको। अब यहां पर एक और काम होता है, टेंजेंट है, इस टेंजेंट में अभी डायरेक्शन दिया नहीं गया है, तुम चाहो तो एरो नीचे लगा दो एरो ऊपर लगा दो, ठीक, तो भाई अपने हिसाब से लगाओगे ना, मोशन उधर हो तो उधर लगा दो एरो, नहीं ना तो एरो उधर लगा दो, तो एरो लग गया यहां पे, अब ये एरो हो गया, सेम ये एरो हो गया। अब तुम देखो कि ये किस दिशा में जा रहा था, जब वो यहां पे था ऊपर जा रहा था, ऊपर जा नहीं पाया, डायरेक्शन ऊपर की तरफ था। अब मान लो यहीं पर हम क्वेश्चन पूछ दें, अगर यहीं पर ये पंखवा टूट जाता अगर, तो भाई ये ऊपर नहीं जाता, समझो बात को। हम अपने हाथ में कोई ये बॉल लिए हुए हैं, ठीक है, इसको हम ऐसे घुमाते हैं, अगर हम ऐसे घुमा के यहां छोड़ते हैं, टूट गया मान लो, हाथ नहीं टूटा छूट गया, तो ये इधर निकल जाएगा, कैसे जाएगा, यहां जाएगा, क्या करो जिस पाथ से हम आए हैं वहीं पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो ये इधर जाएगा, अगर मान लो इसको यहां छोड़े तो ये इधर जाएगा, अगर मान लो इसको यहां छोड़े तो ये ऐसे कहीं चला जाएगा, तो उसकी दिशा थी वो, जो दिख रहा है वो चीज नहीं है, जो दिख रहा है वो क्या है, जो दिख रहा है एक्चुअली वो ऑप्टिकल इल्यूजन है, तुमको ऐसा लग रहा है कि वो सर्कुलर, ऐसा नहीं है, हर एक मोमेंट पर उसकी दिशा बदल रही है। तो अब देखो कॉन्सेप्ट को समझो, वेलोसिटी जो होता है वो स्पीड और डायरेक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, स्पीड हम यहां पे वो 10 ही है, टेंशन नहीं दे रहा, डायरेक्शन टेंशन दे रहा है, डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी चेंज हुई तो कितनी चेंज हुई वो निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तरीका ये है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो तुम इस क्वेश्चन को जब भी सोचोगे वेक्टर बना करके सोचोगे, वेक्टर बनाना पड़ेगा। और अभी हम बताए हैं वेक्टर कैसे बनाया जाता है, डायरेक्शन जो है उसका यूनिट वेक्टर पकड़ो और उस यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दो उस नंबर में, तो वो नया वो क्या बन जाएगा, वेक्टर बन जाएगा, उस टाइम पे जो वेक्टर था वो बन जाएगा। फिर दिशा बदली तो अब दिशा चेक करो, अब दिशा को पकड़ो, उसका यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दो, तो अब नया बन गया। इसका ये मतलब हुआ वेक्टर बदला कि नहीं बदला, वेक्टर बदला नहीं बदला, बदला, तो दो वेलोसिटी मिली हमको, क्यों, तो दो वेलोसिटी ऑब्वियस ही बात है। एक्चुअली अगर कोई बोल दे, हम मान लो तुमसे एक क्वेश्चन टफ क्वेश्चन पूछ दे, नहीं वो हम टेस्ट सीरीज में पूछेंगे, अभी पूछ देंगे मजा खराब हो जाएगा, टेस्ट देना तुम लोग टेस्ट सीरीज में पूछेंगे। तुम लोग टेस्ट कैसे दोगे, ऑनलाइन टेस्ट दोगे, ऑनलाइन टेस्ट कैसे दोगे, लैपटॉप है सबके पास, मोबाइल फोन है, ठीक है, वो बता देंगे कैसे टेस्ट देना है, ठीक है, इस क्लास के बाद। एक्चुअली क्या करना है, जो हमारी वेबसाइट है कॉन्सेप्ट लाइब्रेरी की, उस वेबसाइट पे आओगे, कैसे आना है वो हम समझा देंगे, उस वेबसाइट पे जाओगे, तुम्हारे लिए एक फोल्डर बना रहेगा, उस फोल्डर के अंदर घुसोगे, टेस्ट सीरीज चालू करोगे, क्वेश्चन दिखेगा, उसका ऑप्शन दिखेगा, क्वेश्चन रीड करना, सॉल्व करना ऐसे रफ शीट पे, ऑप्शन टिक करना, ऐसे करके नेक्स्ट 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 करके सारे तुम तैयार करना, सारे क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे, लास्ट में सबमिट कर देना। जब सबमिट होगा तो तुमको एक चार्ट दिखेगा, सबमिट करने के बाद उस पर लिखा रहेगा कितने सही कितने गलत, कितना नंबर आया, कितना टाइम लिए, ये सब लिखा रहेगा उस पर, और तुम्हारा अभी तक जितने बच्चे एग्जाम दे चुके हैं तुम्हारी रैंक क्या है उनमें, वो लिखा रहेगा, आज तक जितने बच्चे एग्जाम दिए हैं तुम्हारी रैंक कितनी है वो लिखा रहेगा, रैंक हो जाए, और उसके बाद हर क्वेश्चन फिर से लिखा रहेगा, ये क्वेश्चन था और तुम्हारा ये टिक था और सही वाला आंसर ये है और सॉल्यूशन ये रहा। तुम लोग उसको रीड करोगे, अपनी गलती समझोगे, जब वो बात नहीं समझ में आएगी तो हमसे मिलोगे, ठीक है। अरे ऐसा नहीं कि यार मिले वाला मिलोगे, नहीं यहां मिलोगे, ठीक है। अब देखो तुम ये बताओ कि यहां पर दिशा ऊपर की तरफ है, ज्यादातर टीचर्स ऊपर की दिशा क्या बताते हैं, वाई, तो उसके लिए कौन सा यूनिट वेक्टर यूज होगा, वेरी गुड, तो यहां पर वेलोसिटी निकालनी होगी, उसको हम वी वन बोलेंगे, कितना आएगा, वेरी गुड, टेंजेंट है, कितना स्मूथ हो गया ये देखो,
यहां पे हम लिख रहे हैं ऊपर की दिशा में, ये v1 यहां पे कितना आ रहा है 10 j कैप। अब बताओ यहां पर दिशा ये थी, यहां पर दिशा ये थी, तुम लोग मानते हो कि वेलोसिटी बदल गई, तो उसको हम v2 लिख दें। चलो v2 का मान बताओ बेटा। हाँ ठीक है, ज्यादातर टीचर्स इस दिशा को क्या लिखते हैं, माइनस एक्स, ज्यादा टीचर्स तो हम लोग उन्हीं को फॉलो करते हैं। हम लोग ये मान लेते हैं कि ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है। एक चीज सुनो, तुम्हारे आईआईटी नीट या बोर्ड एग्जाम में डायरेक्शन दिया रहेगा, अगर डायरेक्शन नहीं दिया रहेगा तो बच्चों के आंसर अलग अलग आएंगे, क्योंकि क्या पता कोई बच्चा इधर एक्स मान ले, बच्चे हैं भी दूसरी काबिल, मान ले अपने मन का सब मान लेंगे यार। हमसे पूछे वहां एक बार चेन्नई में जब दोस्ती आ रही थी, अच्छी खासी हंसी मजाक चल रहा था, हमारे दोस्त सब पूछते थे कि वहां यूपी में कितने जिले हैं, यूपी में क्या मतलब माहौल है। तो हमने देखो यूपी में जिले तो संख्या हमको याद नहीं है, लेकिन जब शाम होती है रात होती है ना, तो एक एक आदमी जिलाधिकारी बन जाता है, एक एक आदमी डीएम बन जाता है, पी के निपटा सब डीएम। देखो अब क्या करना है कि V2 की वैल्यू को यहां पे समझना होगा कि हम -10 i लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं। अच्छा एक मिस्टेक जो हम हमेशा करते हैं, कैप लिखना भूल जाते हैं। तुम लोग आईआईटी नीट में भूलोगे कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे टिक करना होता है खाली, लेकिन एग्जाम में मत भूलना, रिटन एग्जाम में मत भूलना, 11-12 वाले एग्जाम में आई कैप लिखना, आई के बाद कैप, ये कैप ही बताएगा कि ये यूनिट वेक्टर है। अगर कैप नहीं लिखोगे तो ये आई एक लेटर की तरह बिहेव करेगा, तभी यूनिट वेक्टर नहीं बन पाएगा। अगर मान ली तुम लिखे 10 आई, तो ये 10 आई मतलब ये 10 एक्स की तरह बिहेव करेगा, इसलिए कैप लिखना जरूरी है। ये एक मिस्टेक है जो हो जाता है, तो उसको हम ठीक कर लेंगे। चलो क्या ठीक करोगे, 2006 से फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, आज तक मिस्टेक हो जाती है, समझे। चलो वीडियो इज इक्वल टू -9। अच्छा एक चीज और, जब हम फिजिक्स शुरू शुरू में पढ़ना शुरू किए थे ना, एकदम शुरू शुरू में, तो हम क्या करते थे कि पहले दिनमा भर बैठ के पढ़ते थे, फिर शाम में क्लास है, एकदम जब बहुत छोटे थे फिर पढ़ना शुरू किए थे, तो अपने ही नोट्स को पढ़ते थे कि यार अब पढ़ाना है जाके, फिर पढ़ाते थे जाके, होम ट्यूशन से शुरू किए थे, होम ट्यूशन से पढ़ा पढ़ा के शुरू किए थे। अब वो जो पेरेंट्स थे उनको भी मजबूरी थी, हमको आता थोड़ा बहुत आता था, हमको मेरा नाम था कि चलो वीरू आता है तो पढ़ा दिए चंदौली में। अब चंदौली तो फिर भी बनारस की तुलना में तो डाउन ही है, तो पढ़ा दिए, लेकिन पढ़ाने से हमको फ़ायदा हो गया। तो दिन में रात में रटते थे कैसे हो रहा है, क्योंकि हमारे अंदर ना एक ईगो था, ईगो ये था कि बच्चों के सामने कॉपी या नोटबुक खोल के नहीं पढ़ाएंगे, क्वेश्चन लगवाना होगा तो भले लगवा देंगे, चलो ये वाला निकालो, वो बुक निकालो, वो क्वेश्चन कर लो, वो अलग चीज़ है। और अब तो ये है ना कि अब जब तक पहले ईगो था, अब ईगो खत्म हो गया, अब सब कुछ आ गया है, अब 50 किताब रख देते हैं सामने कि अच्छा इसमें कहीं क्वेश्चन लगा लेना, इसमें कहीं लगा लेना। उस समय पता नहीं कैसा ईगो था कि किताब देख के नहीं पढ़ाना है। टीचर अच्छा है, हाँ ऑब्वियसली बात है, जो बुक देख के पढ़ा रहे वो अच्छा नहीं है, ठीक है, जो बुक देख के पढ़ा रहे मतलब कि वो उतना अंदर घुसा नहीं है, लेकिन तुमको पता है जैसे कि अभी तो मान लो जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी थ्योरी है, वो तो ऐसे ही पढ़ाना चाहिए, एग्जाम्पल ऐसे कराने चाहिए, लेकिन जब एक्सरसाइज करना होगा, जो शीट वाले क्वेश्चन होंगे उनमें हम शीट ले लेंगे हाथ में कि ये तीसरा क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ, पांचवा हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे ऐसे कर किया जाएगा, ठीक है, हाँ वो चीज़ शीट से होगा। हाँ अब देखो ये हो गया V1 इज इक्वल टू 10 j, ये हो गया V2, तुमको क्या निकालना था, बदलाव, वेलोसिटी में चेंज कितना आया, वेलोसिटी का चेंज कैसे निकालेंगे, किसी भी चीज का दुनिया में चेंज निकलता है फाइनल माइनस इनिशियल से। दुनिया में कोई भी मैथ पढ़ रहे हो, फाइनल माइनस इनिशियल कैसे करोगे, अब यहां पे तुमको निकालना है डेल वी। यहां पर एक मिस्टेक हम अभी भी करते आ रहे हैं, यहां पे ये लगाना छूट गया, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी स्पीड नहीं, वेलोसिटी, तो यहां पे लगाओ एरो, यहां पे लगाओ एरो, इसको बनाओ वेक्टर। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं वी लगा के एरो लगा देंगे, कुछ लोग वी बार लगा देंगे, कुछ लोग वी हाफ एरो लगा देंगे, सब चलता है, ठीक है। तो अब देखो डेल वी निकालो, कैसे निकलेगा, वी टू माइनस वी वन से निकलेगा, यहां पे लगाओ एरो एरो एरो। देखो हम लोग वेक्टर सीख रहे हैं ना,
सही जा रहा है सब कुछ, तुमको क्या करना है यहाँ पे, बस आंसर जस का तस लिख दो, ये वैल्यूज जस की तस यहाँ छाप दो, ये आ गया माइनस टेन आई, इसको लिख दो माइनस टेन जे। अब देखो तुम्हारा आंसर निकल चुका है, तुमसे ये पूछा गया था वेलोसिटी का चेंज बताओ, तो ये आंसर हो गया। लेकिन आईआईटी जेईई एग्जाम में, नीट एग्जाम में अगर ये पूछ दे कि वेलोसिटी में जो चेंज आया है, चेंज इन वेलोसिटी, उसका मान बताओ, उसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो वहां पर मैथ में जो वेक्टर होता है उसका कॉन्सेप्ट लगेगा, उसको देखते हैं। मतलब मान लो कोई वेक्टर लिखा है v, कोई भी वेक्टर, इसका आंसर है 2i प्लस 3j कैप कैप, हाँ अंडर रूट वाला, तो ये तो वेक्टर है ना। अगर तुमसे शुरू में पूछते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी बताओ, तो उसका आंसर ये है, बस ऐसे करके, और वो अपना ऐसे आंसर थोड़ा सा फैंसी कर दो इसको। हाँ, अब तुमको क्या करना है कि तुमको बताना है वेलोसिटी, बताइए वेलोसिटी का वो बताइए मान मैग्नीट्यूड, अब क्या करोगे अंडर रूट इसका स्क्वायर कर दोगे। ध्यान रखना आई के अलावा यहां जो कुछ भी होगा वो सब अंदर आएगा, अगर माइनस है तो माइनस भी अंदर आएगा, माइनस टू का स्क्वायर, ठीक। अब यहां पे अगर माइनस होता तो वो, सॉरी प्लस लिख के माइनस वो भी आता अंदर, माइनस थ्री का स्क्वायर कर दो। फिर उसके बाद ये तो माइनस इसलिए दिखाना जरूरी है बिकॉज वी नो कॉन्सेप्ट, अगर गलती से मिस हो गया माइनस तो अलग बात है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में तुम इसको भले अंदर चार लिख दो, अंदर नौ लिख दो और हल कर दो, लेकिन माइनस दिखाना जरूरी है, ठीक है। अब तुम क्या करो, देखो बता रहे हैं जब ना फिजिक्स का पेपर जब हम चेक करते हैं बच्चों का, तो हम कुछ नहीं चेक करते, हम ये चेक करते हैं ये लिखा है कि नहीं माइनस, और माइनस नहीं लिखा रहेगा पूरा नंबर काट देते हैं भले लंबा से सॉल्व किया हो, और उसके बाद वो क्लास में उसको बुलाते हैं स्पेशली कि देखो यहाँ पे मिस्टेक तुमसे हुई है, तो फिर बच्चे पता क्या करते हैं, अरे सर स्क्वायर तो हो जाएगा ना सर, अरे सर स्क्वायर तो हो जाएगा ना सर, तो बात तो बराबर ही है। तो फिर अगर बात बराबर है तो 10 मार्क्स के बदले हम तुमको 0 मार्क्स देते हैं, बात तो बराबर ही है, ठीक है। तो चलो ये हो गया काम, इससे अब तुम लोग निकालो कि अब देखो और तुम लोग सीखोगे वेक्टर में, जब हम लोग वेलोसिटी का मान निकाल रहे होते हैं तो उसका सिंबल बदल जाता है, उसका सिंबल ये लगाते हैं, मॉड लगाते हैं। और देखो जब वेलोसिटी के वेक्टर पे मॉड लगा हो तो इसी को हम लोग सिंपली वी भी लिखते हैं, मतलब जो सिंपल वी होता है वो किसको दिखाता है, स्पीड को दिखाता है, ठीक है। अब तुम यहां पे फाइंड कर सकते हो 10√2 आएगा, इसको समझो कैसे आएगा 10√2, ठीक है। हाँ तो ये हो जाएगा अपना माइनस 10 का स्क्वायर प्लस माइनस 10 का स्क्वायर और समथिंग निकालना आ जाएगा। सॉल्यूशन करना बोरिंग काम है, ये तुम लोग कर लेना, कहीं दिक्कत आएगी हमसे पूछ लेना, 10√2 इसका आंसर आएगा। अब देखो इसी क्वेश्चन को हमेशा एक चीज ध्यान रखो, जितनी चीजें तुम एनालाइज करोगे अपने लाइफ में, आईआईटी जेईई नीट का एग्जाम उतना इजी हो जाएगा, कहां कहां पर सर्कुलर मोशन हो सकता है वहां वहां पर ये क्वेश्चन बन सकते हैं। कहां कहां पर हो सकता है, पंखा, फैन, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, राइट। अब उस क्वेश्चन को टफ वो कैसे बना देंगे, वो तुमसे आगे जा करके तुम लोग केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी पढ़ोगे कि न्यूक्लियस से कुछ दूरी पर इलेक्ट्रॉन जो जिस स्पीड से चल रहा होता है वो स्पीड कितनी होती है। यहाँ पर तो हम 10 दे दिए थे, वहाँ पर वो 10 नहीं देंगे, क्योंकि वो तुमसे एक साथ कई कॉन्सेप्ट चेक कर लेंगे कि इस गधे को पता भी है कि नहीं कि इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या चल रहा है। आगे ये भी पढ़ोगे तुम लोग कि न्यूक्लियस के जितने दूर जाओगे वो इलेक्ट्रॉन एक खास ऑर्बिट में रहते हैं, हर इलेक्ट्रॉन का स्पीड अलग होता है, वो अगर पूछ दे तीसरा इलेक्ट्रॉन तो उसकी स्पीड अलग होगी, वो एक कॉन्सेप्ट होता है, तो उस पर भी क्वेश्चन बना सकते हैं। नेक्स्ट देखो, ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी बने हुए हैं, बच्चे करके पास होकर आईटी चले गए, डॉक्टर बन गए, अब वही काम हम लोगों को सेम करना है। अब अगला क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारा इस चीज पर कि अगर एक चीज और जो बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है वही है लास्ट, उसके बाद नहीं बनता, सर्कुलर मोशन, जहाज, जहाज जा रही है अब उसको टर्न करना है, तो यहां पे बनता है ये क्वेश्चन और सेम, मान इसको जहाज मान लो तुम, ठीक सेम पंख का प्लेट नहीं जहाज मान लो, अब मान लो यहां पे जहाज है, जहाज ऊपर जा रही है, फिर यहां जाके जहाज इधर जा रही है, हो गया काम। इस तरह से तुमसे तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, पहला क्वेश्चन जब तुम 90 डिग्री टर्न करोगे, दूसरा क्वेश्चन जब तुम 80 डिग्री टर्न करोगे,
तो उस कंडीशन में क्या आएगा, अभी ऊपर जा रहे थे बाद में यहां पे नीचे आ रहे होंगे। अच्छा ये बताओ, अगर इस क्वेश्चन को हम यहां से लेके यहां तक पर बनाए होते तो V1 तो वही रहता, V2 क्या लेते? माइनस माइनस टेन जे क्या हो जाता? वेरी गुड, वो सवाल लगा पाते यहां पे माइनस टेन जे लिख करके लग जाता, फिर आंसर कितना आता? सेम आता। देख लेते हैं यहां पे क्या आता, देखो क्या आता, यहां पे तुम लिखने के लिए बोल रहे हो माइनस टेन जे वी टू, वी टू पे ध्यान दो, वी वन वाला पोर्शन तो उसमें कोई चेंज नहीं है, उसको छोड़ो। नहीं नहीं, हम ये बोल रहे हैं कि वी वन तो जस का तस है, कोई चेंज नहीं है वी वन में, वी वन की वैल्यू यहां लिखी हुई है। अब हम बोल रहे हैं चेंज हम वी टू को कर रहे हैं ना, सिर्फ पहले हम यहां का वी टू ले रहे थे, हम यहां का वी टू लेंगे। नहीं कैंसिल होगा बेटा, क्योंकि यहां ऑलरेडी एक माइनस है ना, हम चेंज निकाल रहे थे तो चेंज की वजह से एक माइनस ऑलरेडी यहां पे आया था, वो माइनस यहां पे अटका हुआ है, और यहां जो माइनस आ रहा है वो डायरेक्शन की वजह से आ रहा है, तो दोनों माइनस हैं, कटेंगे नहीं। तो माइनस टेन माइनस टेन कितना हो जाएगा? माइनस ट्वेंटी जे। ठीक, दिक्कत आ रही है? सोचो सोचो सोचो, कोई बात नहीं, सोचो इसको, ऐसा सोचो पूरा एकदम नीट एंड क्लीन करके सोचो इसको, इतने काबिल बन जाओ बिना पेन के सवाल लगे, ऐसे सोचो। मतलब प्लस नहीं होगा बेटा, देखो सबसे पहले V2 का मान बताओ, इसमें कोई डाउट नहीं है, फिर क्यों डाउट आ रहा है? देखो माइनस टेन जी हो गया, वेरी गुड। अब लोग डेल V पे चलते हैं, डेल V की वैल्यू तो हमेशा यही रहेगी ना, ठीक है, मिस्टेक नहीं करना है, बार लिखना मत भूलना। अब इसके बाद सिर्फ काम है वैल्यू को डालना, ये डालो तो पूरा साथ में डालोगे ना माइनस टेन जी, और फिर यहां माइनस डालो V1 को वहां से उठाओ, फिर से माइनस। देखो सुनो, यहां माइनस नहीं है तो यहां माइनस क्यों है? ये वाला माइनस है, ओके चलो, तो हमारा हो गया माइनस ट्वेंटी जे, इसमें आई का टर्म तो है ही नहीं, तो मैग्नीट्यूड निकल पाएगा कैसे? निकलेगा, एक ही करेंगे, एक ही है तो यही करेंगे। तो अगर जैसे देखो हम ये कहना चाहते हैं यहां पे, अगर मान लो कोई वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, मतलब देखो तीनों होते हैं ना, अगर कोई वेक्टर ऐसे दे दिया, चलो इसको हम कर देते हैं ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के कर देते हैं, तो इसका निकालोगे तो ए वन ए टू ए थ्री तीनों का स्क्वायर आ जाएगा, तो मेरे पास आई नहीं है और के नहीं है, कोई बात नहीं है, सिर्फ इसका कर देंगे, माइनस ट्वेंटी का स्क्वायर करोगे, उसका स्क्वायर रूट लोगे और उसको स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर दोगे, मतलब ये है कि अब इसका मॉड निकालोगे तो अंडर रूट माइनस ट्वेंटी का ऐसे ब्रैकेट ला के स्क्वायर दिखाना, ठीक, फिर क्या करना, इसको यहाँ पे स्क्वायर करके पॉजिटिव कर देना, उसका रूट निकालना, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, पहले इसको 400 बना दो, 400 उसका स्क्वायर रूट निकालना, हालांकि कॉन्सेप्ट ठीक है, चलो आ जाएगा 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो तुमको आंसर ये बताना है, अगर वो मैग्नीट्यूड नहीं पूछते, मतलब मैग्नीट्यूड नहीं पूछते, चेंज इन वेलोसिटी पूछते हैं, आंसर ये बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पूछते हैं, तब ये बताओ, ठीक है। अब इसमें सब चीज में एक चीज हमेशा मिस्टेक होती है, पूरे स्टेप में बच्चे यूनिट नहीं लिखते, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड लिखना, लास्ट में आकर के यहां पर डाल देना मीटर पर सेकेंड ये भी है, मीटर पर सेकेंड ये भी है, ये आंसर वेक्टर फॉर्म में है, ये आंसर स्केलर फॉर्म में है, ये क्या है, स्पीड है, ठीक। चलो अब तीसरा क्वेश्चन बनता है, जब हम लोग 270 चेंज कर देंगे, हाँ तो हम लोग पता कर लेंगे कि जब इधर जा रहा है तो इधर जा रहा है तो V2 का मान कितना होगा, 10 आई कैप, सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना,
बहुत तेजी से इससे आंसर सॉल्व हो जाता है। अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पे हैं और वो इक्वल हैं, अगर दो वेक्टर 90 पर हैं और वो इक्वल हैं, तो उनका रिजल्टेंट हमेशा रूट टू टाइम्स आता है, रूट टू गुना आएगा। जैसे मान लो अगर ये वेक्टर 10 है, ये वेक्टर 10 है, इसका अगर तुम रिजल्टेंट निकालते हो तो ये हमेशा 10 रूट टू ही आएगा। अभी आया था ना कुछ देर पहले रूट टू करके, देखो ऐसे देख लो, चलो इसका x मान लो, ये भी x मान लो, तुमको ये निकालना है तो यहाँ पे पाइथागोरस लगा दो, अगर ये x है तो ये x होगा, तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट टू एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कट जाएगा, रूट टू बच जाएगा। ठीक है, वेक्टर पढ़ाएंगे अभी आगे जाकर के और अच्छे से। तो ये वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दो तरीके से हम लोग क्वेश्चन लगाना है। देखो अगर तुम ना इसको लेवेंथ के हिसाब से देखोगे तो बस इतना ही है इसमें, अब आगे शुरू हो जाएगा ग्राफ। लेकिन अगर तुम इसको आईआईटी जेईई नीट के हिसाब से देखोगे तो अभी इसमें कुछ और डीप चीजें हैं, ठीक है, उसको भी हम लोग करेंगे। देखो टाइम कितना हुआ, घड़ी लगाओ, चलो ठीक है। अब हम लोग का टाइम एक्चुअली क्या था, सीन ये था कि हम लोग आज 3:30 से 4:30 एक सब्जेक्ट करेंगे, 4:30 से 5:30 एक सब्जेक्ट करेंगे, लेकिन आज हम लोग का ये प्लान था कि आज हम लोग सिर्फ फिजिक्स करेंगे 3:30 से 5:30। ठीक है, तो आप लोगों की क्लास 3:30 से चलेगी, ठीक। और टारगेट ऐसा है मेरा, आप लोगों को 5 दिन पढ़ाएंगे, 1 दिन रिवीजन, 1 दिन टेस्ट। ठीक है, रिवीजन आप लोग खुद करेंगे क्लास में, तो एवरीडे हम लोग रिवीजन करेंगे, डिस्कस करेंगे, डाउट करेंगे, 1 दिन सेल्फ रिवीजन करना है आपको। ठीक है, सैटरडे को सेल्फ रिवीजन कीजिए आप लोग लगातार, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसे पूरा 5 दिन क्लास चलेगा, और आप लोग सैटरडे को सेल्फ रिवीजन करेंगे, संडे को मेगा टेस्ट देंगे आप लोग। वो टेस्ट कैसे देना है वही वेबसाइट पर जाकर के, ठीक है, आप लोग यहाँ पे अरेंज करके भी टेस्ट दे सकते हैं और घर पे मोबाइल से भी दे सकते हैं टेस्ट, नकल नहीं मारना है। अगर एक्चुअली नकल मार ही नहीं सकते तुम, क्योंकि वो क्वेश्चन सब नया रहता है ना, तो नहीं मार, चलो हो जाएगा, करना इस बार निकलवा देंगे, पक्का निकलवा देंगे। आईआईटी कैसा सीन आता है, मतलब आईआईटी देखिए क्या लगता है कि वो हम लोग उस लायक नहीं, या आईआईटी बहुत महंगी चीज़ है? हार्ड पड़ता है, ऐसे ऐसे कराएंगे हम, ठीक है, ऐसे कितना भी टफ क्वेश्चन हो भाई, कितना भी टफ क्वेश्चन हो, तुम सुन लो, कितनी भी बड़ी महंगी इमारत हो, उसको तोड़ना शुरू करोगे ना तो फाइनली ईंटे में, बालू में, सीमेंट में ही टूटती है। फिर इसका भी ऐसा ही है, कितना भी बड़ा से बड़ा टफ क्वेश्चन हो, उसको तोड़ना शुरू करोगे ना तो फिर वो बेसिक बेसिक फार्मूले में टूट जाती है। तो बेसिक बेसिक फार्मूला जिसका ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट जिसका ठीक है, फिर क्या आईआईटी क्या चीज़। देखो यार, जिसको तैरने आता है ना उसको इससे नहीं मतलब होता कि गहराई कितनी है, तैरता वो सतह के ऊपर है, अंदर पानी कितना क्या मतलब है। तो तुम लोगों को वही बनना है, सारा कॉन्सेप्ट सीखते जाओ, बेसिक बेसिक। और ऑन द वे देखो, फिजिक्स मैथ पढ़ाने का एक फायदा ये है, अगर एक ही टीचर फिजिक्स मैथ पढ़ाता है तो उसका फायदा ये होता है कि वो जब चाहेगा तब मैथ का वो वाला कॉन्सेप्ट उसमें घुसा के समझा देगा, वो तुमसे ये नहीं बोलेगा कि ये चीज मैथ वाले सर बताएंगे, ठीक है। नहीं तो ऐसा बोलते हैं टीचर्स कि देखो ये वाला जो है ना, ये मैथ वाले सर से सीख लेना, ठीक है, तो ये इसका फायदा मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, पढ़ा रहे हैं, मान लो अगर जरूरत पड़ गई तो ऐसे लाइन ड्रॉ करके रफ करा के कोई नोट करवा देंगे कोई चीज, मैथ में तो वो चीज करेंगे ही बाद में, ठीक है। आज क्लास बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। कल सैटरडे संडे क्या? हाँ तो कल क्लास रहेगी हम लोगों की, मान लो शुरुआत में 5 दिन क्लास रहेगी, फिर सैटरडे छुट्टी, मतलब मेरी तुम्हारी नहीं, संडे छुट्टी मेरी तुम्हारी नहीं। तुम लोगों को ये 2 दिन बहुत पढ़ना है, सैटरडे को पूरा रिवाइज करोगे, संडे को एग्जाम दोगे, एग्जाम देके पेपर एनालाइज करोगे, डाउट खोजोगे, ठीक है। तो लंबा हो गया ये सब, पूरा 2 दिन बिजी रहोगे, फिर मंडे को धड़ाक से आओ, देखते हैं कौन टॉप करता है, ठीक है, चलो फिर मिलते हैं।